हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का क्विक रिवीजन, यानी वन शॉट वीडियो। इस सिंगल वीडियो के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि किस लाइन से किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा बार जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे पहले हम कंप्लीट चैप्टर सभी करवा चुके हैं, चाहे वो क्लास 11th की हो, क्लास 12th की हो, केवल इकोलॉजी यूनिट रहती है। तो अगर इससे पहले वाले चैप्टर्स आपने नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो और वीडियो सेक्शन भी चेक कर सकते हो, जहाँ पर इससे पहले वाले सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारी जो लास्ट यूनिट है वो यूनिट 10th इकोलॉजी, और इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं और उसमें चैप्टर आता है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इशू। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो किसको करने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पर जो इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी से हम क्या पता लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बायोलॉजी होती है उसको डिवाइड किया गया है बॉटनी में, जूलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, या फिर हम बोलते हैं क्लासिकल और मॉडर्न बायोलॉजी। क्लियर है? बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इकोलॉजी के अंदर कवर होती है। अब वो कौन सी कवर होती है, देखिए, द एसेंस ऑफ बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग टू नो हाउ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे एक इंडिविजुअल की तरह रहता है और कैसे वो इंटरेक्ट करता है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में। इसके अलावा जो फिजिकल हैबिटेट है, जो आपके उसके बाहर जो एबायोटिक हैबिटेट है उसके साथ में भी वो कैसे बिहेव करता है एज ए ग्रुप, और हैंस बिहेव कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड होल, यानी पॉपुलेशन की तरह, या फिर कम्युनिटी, या फिर इकोसिस्टम की तरह, और एक होल बायोस्फीयर की तरह पर वो कैसे रहते हैं। तो ये सब चीजें कौन एक्सप्लेन करेगा, ये चीज एक्सप्लेन की जाती है इकोलॉजी के द्वारा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर उसके पहले जो भी यूनिट स्टार्ट होती है उसमें से आते हैं साइंटिस्ट। और आपको बता दूं कि नीट में 2 बार ये जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं हर यूनिट से पहले, वहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसीलिए हम जो ये साइंटिस्ट दिए होते हैं उसको भी अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर दिया है रामदेव मिश्रा, जिसका 1908 से 1998 तक जो रहे थे। अब रामदेव मिश्रा को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है केवल इंडिया के अंदर, यानी इंडिया के अंदर फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोला जाता है, रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1908 को, और इन्होंने पीएचडी जो की थी वो इकोलॉजी के अंदर की थी, कब, 1937 के अंदर। और इनको जो प्रोफेसर थे वो थे WH पियर्सल। ये जो WH पियर्सल थे उन्होंने जो है उनको करवाई थी पीएचडी इकोलॉजी के अंदर, और कौन सी यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी यूके के अंदर जो थी वहाँ पर करवाई गई थी। क्लियर है? उसके बाद में ये इंडिया आए और इंडिया के अंदर इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इकोलॉजी का, एक इकोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाया टीचिंग एंड रिसर्च इकोलॉजी के अंदर। किसके अंडर में बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी किसके अंदर आती है, बॉटनी के अंदर आती है। और ये कहाँ पर काम किया था इन्होंने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी था उसके अंदर एक अलग से जो है टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था वो इन्होंने बनाया था। क्लियर है? इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी, हिज रिसर्च लेड टू द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटीज एंड देयर सक्सेशन, यानी जो ट्रॉपिकल कम्युनिटीज और उनका सक्सेशन होता है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प हुई थी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइकिल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसकी कैसे प्रोडक्टिविटी होगी, उसका रिस्पॉन्स वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल वगैरह कैसी होगी, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था। इसके अलावा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपका नेट में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, जो रामदेव मिश्रा थे फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यानी सबसे पहला जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स था इकोलॉजी के अंदर वो इंडिया के अंदर किन्होंने बनाया था, रामदेव मिश्रा ने ही बनाया था। और उनके बाद में ओवर 50 स्कॉलर जो थे उन्होंने पीएचडी डिग्री की थी किसके अंदर, इकोलॉजी के अंदर, इनके सुपरविजन के अंदर। और बाद में वो अलग अलग जगह जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ पर काम करने लग गए थे, जो इन्होंने ये 15 स्कॉलर थे ये। क्लियर है? इसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप इन द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी अवार्ड, तो इनको एक इंडियन नेशनल साइंस एंड वर्ल्ड अकेडमिक अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड साइंस भी मिला था। इसके अलावा प्रीडिचियस संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, यानी जो संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी था वो भी इनको मिला था। ड्यू टू हिज एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और इनके एफर्ट से जो हमारी गवर्नमेंट थी, इंडिया की गवर्नमेंट, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसको बोला गया था नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और बाद में जो है ये बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट 1984 के अंदर, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। क्लियर है?
तो ये सब कुछ था इनके बारे में। अब हम चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगर मैं इस चैप्टर का वेटेज बताऊं तो 1 to 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं। क्लियर है? ओके, तो इस चैप्टर की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन दो ही चीजें पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के बारे में एंड देन पॉपुलेशन के बारे में। क्लियर है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो काफी डाइवर्स है, इसके अलावा काफी कॉम्प्लेक्स भी है। तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो क्या है, काफी डाइवर्स है, यानी अलग अलग टाइप की चीजें मिलती है और काफी कॉम्प्लेक्स भी है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो यहां पर हमने जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। देखिए, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल क्या बनाएगा, सेल्स बनाएगा, सेल से क्या बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होके मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, फिर बनती है कम्युनिटी, फिर बनता है इकोसिस्टम एंड देन बनता है बायोम्स। ये बायोम्स क्या होता है, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे एक एक करके। क्लियर है? अब यहाँ पर कोई भी जो लेवल होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल हो, सेल्स हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, इसके अंदर हम टू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हाउ एक एंड वाई। जो हाउ टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हम पूछते हैं मैकेनिज्म की उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, एंड वाई टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर पूछते हैं हम सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक बुलबुल है वो सिंगिंग कर रही है अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी बुलबुल क्या होता है एक बर्ड होता है, वो सिंगिंग करता है अर्ली इन द मॉर्निंग एक गार्डन के अंदर, तो वहाँ पर भी हम दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ डज द बर्ड सिंग, यानी वो बर्ड कैसे सिंग कर रहा है, और why does the bird sing, वो क्यों कर रहा है। तो how type में क्या होता है, behind the process पूरा mechanism होता है, और why type में उसका significance होता है, यानी reason क्या है उसके पीछे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए first question का answer क्या आएगा, अगर हम बुलबुल के केस के अंदर बात करें तो यहाँ पे first question का answer क्या आएगा, for example the first question in our example the answer might mean the terms of operation of the voice box, यानी वो जो bird है वो sing कर पा रहा है क्यों, क्योंकि उसके पास में voice box है और वहाँ पे vibrating bones है birds के अंदर, वो vibrate कर रही है और उसकी वजह से वो sound produce हो रही है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंस व्हाई, उसका रीजन क्या है, तो वहां पर क्या आंसर होगा, लाइन द बर्ड्स नीड्स टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, यानी अगर वो ब्रीडिंग सीजन हो सकता है तो वहां वो अपने मेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या कर रहा है, वहां पे वो सिंग कर रहा है। व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड यू विल सर्टन कम अप विद मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ बोथ टाइप। तो अगर आप यहां पर अगर एज ए साइंस स्टूडेंट अगर आप एनवायरमेंटल को ऑब्जर्व करते हो तो डेली आपके सामने इस बोथ टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हाउ एंड वाई टाइप के। कैसे आएंगे, देखिए, वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली वाइट, यानी जो नाइट के अंदर ब्लूम करते हैं फ्लावर वो वाइट के होते हैं। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर, अब जो एक बी है उसको कैसे पता कि किस फ्लावर के अंदर नेक्टर है। वाई डज कैक्टस हैव सो मेनी, हाउ डज द चिक स्पोर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर। तो इस टाइप से यहाँ पर हाउ एंड वाई टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं डेली। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या होता है, देखिए, इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंट्रैक्शन एमोंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। यानी सिंपल सिंपल है, इकोलॉजी एक वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ में, इसके अलावा वो एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ में भी कैसे इंटरेक्ट करता है, इस सब को स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब इकोलॉजी जो होती है वो बेसिकली कंसर्न विद फोर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो इकोलॉजी होते हैं उसके अंदर फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में होती है पॉपुलेशन, फिर होती है कम्युनिटीज, और फिर होते हैं बायोम्स। क्लियर है? बट इस चैप्टर के अंदर जैसा कि चैप्टर का नाम ही है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, कम्युनिटी एंड बायोम्स के बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। हाँ, हम यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो बायोम्स की क्या होती है, कैसे बनती है, उस सब के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो पहला टॉपिक आता है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, और यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले हैं बायोम्स के बारे में, नहीं है बायोम्स कैसे बनती है, क्या कुछ होता है। क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, यानी एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे जनरली हम उसके फिजियोलॉजी की बात करेंगे, विच ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। तो ये जैसा हमने इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर बात की थी कि वो कैसे सर्वाइव कर पाता है और कैसे रिप्रोड्यूस कर पाता है, वही हम एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। यू मे हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेज हाउ द रोटेशन ऑफ, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि बायोम्स कैसे बनते हैं, ये सब कुछ के बारे में बात करेंगे। देखिए,
यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ अवर प्लेनेट अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन। तो अब जो पहली क्लासेस थी 6th-7th क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ होती है वो क्या होती है, सन जो है, ये हमारा मान लीजिए सन है, इसके अराउंड में जो है वो ऐसे रोटेट करती है और यहाँ पे अपने एक्सिस में भी ये रोटेट करती है। और जब ये ऐसे रोटेट करती है तो क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर की ड्यूरेशन चेंज होती है, रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन, अलग अलग सीजन बनते हैं, एनुअल वेरिएशन आता है। दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, ये जो सारे वेरिएशन आते हैं अगर हम उसको एनुअल वेरिएशन यानी पूरे ईयर 365 डेज के अकॉर्डिंग उसको देखें, इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन, अब प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बोथ रेन एंड स्नो, यानी कहाँ पे कितनी रेन आई है या फिर कहाँ पे कितनी स्नो आई है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। उन सबको अगर हम देखेंगे तो अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स, तो यहाँ पे बनेंगे अलग अलग बायोम्स। कैसे होते हैं बायोम्स, फॉर एग्जांपल डेजर्ट को क्या बोलते हैं, एक बायोम बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे, एक बायोम बोलेंगे, टुंड्रा को क्या बोलेंगे, एक बायोम बोलेंगे। तो अब ये अलग अलग बायोम्स का ये डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, ये आपकी स्नो भी हो सकती है और ये आपकी रेन भी हो सकती है। यहाँ पे दिया सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर होती है इन एन एवरेज, 100, 150, 200 इस टाइप से। अब आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखोगे आपको पता है वहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा आती है, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मीन एवरेज अगर देखोगे तो वो 150 से अराउंड 400 तक जाती है, क्लियर है। टेम्परेचर देखोगे तो वहाँ पे वो इन बिटवीन 20-25 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इस टाइप से हमारा एक बायोम्स बनता है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसी तरह अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ तो डेजर्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको पता है मीन प्रेसिपिटेशन यानी बारिश बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पे देखिए बारिश बिल्कुल भी नहीं है और टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी वेरी करता है। तो 5 डिग्री से लेकर यहाँ पे बोला गया है कि 22 या 23 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, लेकिन इस टाइप से बनता है डेजर्ट। तो यहाँ पे इसी टाइप से ये अलग अलग बायोम्स दिए गए हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टंड्रा। यहाँ पे देखोगे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री से लेकर माइनस में ही रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होती है क्या आपकी स्नोफॉल, क्लियर है। इसीलिए लिखा गया है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, तो ये बायोम डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग, क्लियर है, ये आपको पता चल गया होगा कि बायोम्स कैसे होते हैं। अब एक बायोम होता है उसके अंदर भी रीजनल और लोकल वेरिएशन होते हैं विद इन ईच बायोम, और जिसकी वजह से बनता है वेराइटी ऑफ हैबिटेट, यानी अलग अलग हैबिटेट बन जाते हैं, क्लियर है। अब मेजर बायोम जो इंडिया के हैं वो फिगर 13.2 में दिखाए गए हैं, कौन कौन से हैं ये आपके सामने हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है, डेसिड्यूस फॉरेस्ट दिखाया गया है, डेजर्ट दिखाया गया है, सी कोस्ट दिखाया गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, बायोम्स कहलाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। अब यहाँ पर देखिए ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन ए फ्यू फेवरेबल हैबिटेट, तो जो लाइफ होती है वो केवल फ्यू फेवरेबल हैबिटेट में ही नहीं रहती है, बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट के अंदर भी आपको लाइफ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट के अंदर भी लाइफ मिल जाएगी, रेन सॉक्ड मेघालय जो फॉरेस्ट है जहाँ पे रेन बहुत होती है वहाँ पर भी आपको लाइफ मिल जाएगी, डीप ओशन ट्रेंचेज में भी आपको लाइफ मिल जाएगी, टोरेंशियल स्ट्रीम में, परमा फॉरेस्ट यानी स्नो लेडन पोलर रीजन के अंदर भी, हाई माउंटेन टॉप्स पे भी, थर्मल स्प्रिंग्स पे भी, स्टिंगिंग कॉम्पोस्ट पिस्ट पे भी, इन सब जगह पर भी आपको क्या मिल जाएगी, बहुत सारी लाइफ मिल जाएगी। इवन जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर भी एक यूनिक हैबिटेट है जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज जो होती है वो माइक्रोब्स की रहती है, क्लियर है, ओके। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुका होगा बायोम्स वगैरह क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब देखिए व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू द सो मच वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, यानी जो अलग अलग हैबिटेट होते हैं उसमें क्या की एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें फिजिकल और केमिकल जो वेरिएशन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चार मेन रीजन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन होते हैं टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, यानी जो भी एक हैबिटेट है उसके अंदर कैसा टेम्परेचर रहता है, कितने इंटेंसिटी में लाइट रहती है, कितना वहाँ पर आपका सॉइल है, कितना वहाँ पे वाटर है, तो इन सब को मिलाकर वहाँ पे बनता है एक हैबिटेट। ये तो हो गए एबायोटिक कंपोनेंट, वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियोकेमिकल एबायोटिक कंपोनेंट अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे जो एबायोटिक कंपोनेंट है जैसे आपका टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, इसी से एक हैबिटेट बनेगा, और भी बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं उसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट भी देखने को मिलते हैं। द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट में क्या हो सकते हैं कि वहाँ पे पैथोजन कौन से हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, पैरासाइट कौन से हैं, प्रीडेटर कौन से हैं और कंपिटेटर कौन से हैं, इन सबसे मिलकर भी क्या बनता है एक आपका बायोटिक जो कंपोनेंट होता है वो मिलकर बनता है कि वहां पे वो हैबिटेट कैसा रहेगा। ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इन ईच द इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, क्यों, क्योंकि जो पैथोजन, पैरासाइट और प्रीडेटर और कंपिटेटर है इनके साथ में कॉन्स्टेंटली एक ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा।
वी एज्यूम दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, और वहाँ पे वो नेचुरल सिलेक्शन होता है जो हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, इवॉल्व अडेप्टेशन टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इट्स हैबिटेट, और फिर वो अपने हैबिटेट में करने लगता है। उन सबको ये जो फोर रीजन यहाँ पे दिए और ये फोर रीजन यहाँ पे दिए, इन सबके साथ में इंटरेक्ट करके ही वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने हैबिटेट में। अब नेक्स्ट आता है नीचे, व्हाट इज नीचे, और ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। अब क्या है, देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज नीचे, ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन ले लें तो इसकी भी एक रेंज होती है। रेंज कैसे होती है, अगर मैं बोल दूं कि ये क्या ये 70 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अभी आप देखते हो 50 डिग्री अगर चल जाता है तभी बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, और अगर मैं बोल दूं यहां पे 500 डिग्री सेल्सियस माइनस के अंदर अगर टेम्परेचर चला जाए तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से हर एक की जो कंडीशन होती है जिसको वो टॉलरेट कर पाता है वो चीज़ काफ़ी डिफाइन होती है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज, वो कौन से रिसोर्स यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम फूड लेते हैं, अगर मैं कह दूं फूड में हम पॉइजन भी ले लें तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे, जी नहीं, पॉइजन क्या करेगा वहीं पे उसके डेथ कर देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जाते हैं, डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल, और अब जब ह्यूमन की बात करते हैं तो उसका भी एक फंक्शनल रोल होता है इन इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दिस टुगेदर कंप्राइज द नीचे, और इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, नीचे बोलते हैं, और यहाँ से 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम ये जो हमारे ए बायोटिक कंपोनेंट थे जिसकी वजह से एक हैबिटेट बनता है, कौन कौन से, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। मेजर ए बायोटिक फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी जो टेम्परेचर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। अब आप टेम्परेचर से ऐसा भी पता लगा सकते हो कि आपका विंटर में बिहेवियर कैसा रहता है, समर में कैसा रहता है, इसके अलावा रेनी सीजन में आपका कैसा बिहेवियर रहता है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए, यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरी सीजनली, अब सीजन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है, डिक्रीज प्रोग्रेसली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 20 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे यानी डिक्रीज होता जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है तो यहाँ पे ये प्लेन एरिया है, जब हम माउंटेन की तरफ चलेंगे तब भी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे 5 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये चीज़ इन्होंने बताई है। देखिए, डिक्रीज प्रोग्रेसली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स। अब यहाँ पे इसकी रेंज भी अलग अलग हो सकती है, इट रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन द पोलर एरिया, यहाँ पे जहाँ पे 24 आवर्स केवल और केवल स्नो होती है वहाँ पे सब जीरो, यानी जीरो से भी लेवल टेम्परेचर हमें मिलता है, बट अगर हम हाई अल्टीट्यूड टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, अब 50 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे मिलेगा, इन ट्रॉपिकल डेजर्ट के अंदर मिलेगा, कब, समर के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस से भी हाई टेम्परेचर चला जाता है। देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। अब ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है, कौन कौन सी हैबिटेट है, थर्मल स्प्रिंग जहाँ पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है, इसके अलावा डी सीप हाइड्रोथर्मल जो होते हैं वहाँ पर भी जो टेम्परेचर होता है एवरेज टेम्परेचर एक्सीड द 100 डिग्री सेल्सियस। इसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना जो हमारे हैं, फ्लोरा एंड फौना, उसके अंदर भी काफ़ी चेंज आता है कि हैबिटेट में कौन सा ग्रो करेगा। इट इज़ जनरली नॉलेज दैट द मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट, जो आपके मैंगो ट्री होते हैं वो कभी भी टेम्परेट कंट्री जैसे कनाडा एंड जर्मनी होते हैं वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया स्नो लियोपार्ड, जो स्नो लियोपार्ड होते हैं आर नॉट फाउंड इन द केरला फॉरेस्ट, जो केरला के फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे कभी भी स्नो लियोपार्ड नहीं मिलेगा। एंड ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लेटिट्यूड इन द ओशियन, और जो ओशियन के अंदर जो ट्रॉपिकल लेटिट्यूड होता है उससे आगे जाके हमें ट्यूना फिश होगी वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना कैसे होंगे। You can appreciate the significance of temperature of living organism when you realize that it affects the kinetic of the enzyme. बायोमोलिक्यूल क्लास 11th के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि जो आपका एंजाइम होता है उसमें टेम्परेचर का अफेक्ट होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है कि जो टेम्परेचर होता है वो काइनेमेटिक्स ऑफ एंजाइम को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और अगर वो चीज़ अफेक्ट होगी तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली अफेक्ट हो जाएगी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है,
few organism can tolerate and thrive in a wide range of temperature and cold, eurothermal. अब यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टॉलरेट कर पाते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उनको क्या बोला जाएगा, यूरीथर्मल बोला जाएगा. फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड मेमल्स, जो बर्ड्स एंड मेमल्स होते हैं आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता है. बट ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, बट ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या रहेंगे, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पाएंगे. सच ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड द स्टीनोथर्मल, उनको क्या बोलेंगे, स्टीनोथर्मल बोलेंगे. द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर वो कितना टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं उसी से डिटरमाइन होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे. अब यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल मैं आपको बता चुका हूँ. अब आगे चलते हैं. इन रीसेंट ईयर देयर आर ए बीन ग्रोविंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीज एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. अब चैप्टर 16 के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा पॉपुलेशन वगैरह एनवायरमेंटल इशू के अंदर की बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है. और अब तो आप भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पढ़ते हो कि यहाँ पर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यूस वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ सम स्पीसीज टू बी अफेक्टेड, तो बहुत सारी स्पीसीज क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी. ये चीज़ यहाँ पे किसके बारे में थी, टेम्परेचर के बारे में थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर के बारे में. अब वाटर भी है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक लाइफ के ऑर्गेनिज्म के एक लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है. इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर. इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइफ जो थी उसका ओरिजिन ही कहाँ पे हुआ था, वाटर के अंदर हुआ था. एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, और विदाउट वाटर जो है वो लाइफ रह भी नहीं सकती है अर्थ के ऊपर. इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल. तो यहाँ पर डेजर्ट के अंदर आपको पता है कि वाटर बहुत कम होता है, इसकी वजह से जो स्पेशल एडेप्टेशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वही केवल वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवली डिपेंड ऑन द वाटर. अब किस एरिया में कितना वाटर है उसी के हिसाब से जो प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. क्लियर है, ये भी आपको पता होना चाहिए. You might think that organism living in ocean, lakes and river should not face any water related problems. अब आपको ये लगेगा कि जो ocean में, lakes में, rivers में जो organism रहते हैं उनको water related problem नहीं होती होगी, but ये true नहीं है. क्यों? अब देख लेते हैं aquatic organism के बारे में. For aquatic organism, the quality, अब यहाँ पे quality काफ़ी importance हो जाती है. अब आपको भी पता है कि अर्थ के ऊपर 70% water है, तो अब हम कहते हैं कि वाटर की कमी है, पानी की कमी है, ऐसा क्यों? अब आप कहोगे कि अर्थ के ऊपर 70% वाटर आ, तो वो क्वालिटी काफ़ी मेंटेन करती है. अब आप भी अगर आपको बोले कि आप गंदे नाले का जाके पानी पी लो सीवेज का, तो क्या पी लोगे? पानी तो वो भी पानी है और आपके जो आर ओ से निकल के आता है वो भी पानी है, तो वहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, क्वालिटी भी देखी जाती है. तो इसी टाइप से यहाँ पर भी जो है वो वाटर तो बहुत है बट उसकी क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अच्छी क्वालिटी का वाटर काफ़ी कम है. और क्वालिटी में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन और पीएच कैसा है उस वाटर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऑफ वाटर बिकम इंपॉर्टेंट द साल्ट कंसंट्रेशन. अब यहाँ पर जो आपको पता है कि जो आपका सोल्टी वाटर होता है जो सी के अंदर है वो काफ़ी सोल्टी वाटर होता है, तो वहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मेजर एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी ये पीपीटी के अंदर मेजर किया जाता है, पार्ट्स पर थाउजेंड के अंदर मेजर किया जाता है. अब जो इनलैंड वाटर होता है उसके अंदर ये लेस देन 5 होता है, यानी लेस देन 5 पीपीटी होता है, यानी वहाँ पे जो सेलाइन वाटर होता है जो सेलिनिटी होती है सोल्ट होता है वो पार्ट्स पर थाउजेंड के अंदर लेस देन 5 होते हैं. इसके अलावा अगर सी वाटर की बात करें तो ये 30 to 35 होते हैं, जबकि अगर बात करें कुछ हाइपर सेलाइन लेगून्स के अंदर तो वहाँ पे 100 मोर देन 100 जो है वो पार्ट्स पर थाउजेंड जो सेलिनिटी चली जाती है. अब इसकी वजह से क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट टू ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, तो बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज में सर्वाइव कर पाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरीहैलाइन. क्या बोलते हैं उनको, यूरीहैलाइन. बट ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो एक स्पेसिफिक नैरो रेंज के अंदर रहते हैं. अदर आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज, उनको क्या बोलते हैं, स्टीनोहैलाइन बोलते हैं. अब जो टेम्परेचर के अंदर था वहाँ पर क्या बोल दिया था हमने, यूरी आपका स्टीनोहैलाइन की जगह वहाँ पे क्या बोल दिया था, स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल बोल दिया था, और जबकि वाटर में क्या बोल दिया हमने, यूरीहैलाइन और स्टीनोहैलाइन बोला गया है. अब आगे लिखा है, देखिए मैनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग, बहुत सारे ऐसे फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं जो लंबे टाइम तक सी वाटर में नहीं रह पाएंगे, एंड वाइस वर्सा, और बहुत सारे ऐसे सी एनिमल्स होंगे जो कि फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस, क्योंकि वहाँ पर उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम आएगी.
ये था वाटर के बारे में। अब हम बात करते हैं लाइट क्या अफेक्ट डालती है। अब लाइट से आप यही पता चला सकते हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस फूड करते हैं फोटोसिंथेसिस, और वहाँ पे क्या होता है केवल और केवल जब इट इज़ अ पॉसिबल ओनली पॉसिबल जब वहाँ पे क्या होगी लाइट होगी, और सनलाइट क्या है अवेलेबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अब हमें पता चल चुका होगा कि लाइट की इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑटोट्रोप। अब ऑटोट्रोप से ही आगे जो है वो फूड साइकिल चलती है। मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स हर्ब्स एंड सब्स ग्रोविंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशेडोड बाय द टॉल ट्रीज कैनोपी ट्रीज। अब जो अगर हम बात करें एक फॉरेस्ट के अंदर, तो फॉरेस्ट के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पर जो हर्ब्स एंड सब्स होंगे लेकिन वो काफ़ी जो स्मॉल स्मॉल हर्ब्स एंड सर्ब्स होंगे वो इनसे कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे ओवरकम हो जाएंगे, क्लियर है, बहुत सारे ट्री से। तो यहाँ पर लाइट इतनी इंटेंसिटी आएगी नहीं, फिर भी वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं, क्लियर है। मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, और ये हमने फोटो पीरियोडिज्म के अंदर पढ़ा था, चैप्टर नंबर था हमारा 15, किसके अंदर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लास 11th के अंदर, वहाँ पे हमने फ्लावरिंग के बारे में पढ़ा था, लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट उसकी ये बात कर रहा है। फॉर एनिमल्स, अब एनिमल्स के बारे में क्या कर रहा है, लाइट इज इंपॉर्टेंट इन देयर यूज द डाययूरनल एंड सीजनल वेरिएशन इन यूज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन फोटो पीरियडम एसक्यू फॉर टाइमिंग देयर फॉरगेइंग रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज। इसके अलावा जो एनिमल्स होता है उनके अंदर भी लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। डाययूरनल का मतलब जो होता है जो डे के अंदर एक्टिव रहते हैं, अब डे के अंदर एक्टिव रहते हैं तो वो इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि वो डे कितना लॉन्ग है कितना शॉर्ट है, अगर उनको माइग्रेट करना है रिप्रोडक्शन करना है इन सब एक्टिविटीज़ के लिए भी लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। किसके लिए, एनिमल्स के लिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन द लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ द टेम्परेचर। अब कितनी लाइट आ रही है अर्थ के ऊपर वो क्लोज लिंक है किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में। क्यों, क्योंकि सन इज द सोर्स ऑफ फॉर बोथ, यानी टेम्परेचर को भी इंक्रीज करवाएगा और लाइट भी देगा, तो उसके लिए कौन सा रिसोर्स है, सन है। बट डीप ओशन, जो डीप ओशन होते हैं लेस देन 500, जो ग्रेटर देन 500 मीटर से भी ज़्यादा, अगर मान लीजिए हमारा ओशन है, ओशन के अंदर हम यहाँ पे चले जाते हैं 500 मीटर मान लेते हैं इतना है, इससे भी अगर जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, द एनवायरमेंट इज डार्क एंड इज इनहैबिटेंट्स आर नॉट अवेयर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड द सन। तो उन ऑर्गेनिज्म को पता भी नहीं है कि इस टाइप का कोई सोर्स है सन जो कि लाइट देता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा डीप वाटर के अंदर जो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, क्लियर है। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए यूवी कंपोनेंट, अगर यूवी कंपोनेंट क्या करता है, बहुत सारी डिजीज कोज करता है, तो अगर यूवी कंपोनेंट ज़्यादा होगा लाइट के अंदर तो वो हार्मफुल हो सकता है। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म व्हाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मेराइन प्लांट्स। जो मेराइन प्लांट्स होते हैं जो डीप डेप्थ के अंदर रहते हैं उनके पास में सभी कलर की लाइट नहीं पहुँच पाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, अमोंग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहैबिटेड द सी विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। तो ये हमें एल्गी वाले चैप्टर प्लांट किंगडम में भी पता है, रेड एल्गी जो होती है वो डीपेस्ट वाटर के अंदर मिलेगी, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सोयल के बारे में। अब सोयल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेस वेरी। अब ये अलग अलग प्लेस पे जो सॉइल होती है उसका नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। सबसे पहले ये डिपेंड करता है क्लाइमेट, यानी वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। सेकंड, ये डिपेंड करता है वीदरिंग प्रोसेस, यानी जो रॉक्स होती है उनसे जो सॉइल बनती है वो प्रोसेस कैसा था। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, क्या वो सॉइल जो थी वो ट्रांसपोर्टेड थी या फिर वो सेडिमेंट्री थी यानी वहीं पर थी। हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड, वो जो सॉइल है उसको का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन सब फैक्टर के पर डिपेंड करता है कि वहां की जो आपकी सोयल है वो कैसी होगी, क्लियर है। इसके अलावा वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोयल, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोयल होते हैं वो भी डिपेंड करता है कि वो सोयल कैसी होगी। फॉर एग्जांपल सच एज सोयल कंपोजिशन, वो सोयल का कंपोजिशन कैसा है, ग्रेन साइज कैसा है, एग्रीगेशन डिटरमाइन क्या करता है, परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है वहां की उस सोयल की, इन सब चीजों पर भी काफी डिपेंड करता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स along with the parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in any area. अब किसी एरिया के अंदर वहाँ पे वेजिटेशन यानी वहाँ पे प्लांट्स कैसे होंगे, तो उस पर डिपेंड करता है कि जो सॉइल है उसका पीएच कैसा है, उसके अंदर मिनरल कंपोजिशन कैसा है, उसका टोपोग्राफी यानी जो अपर वाली लेयर होती है उसके अंदर वो सब चीज़ें कैसी है, मिनरल्स वगैरह सब कुछ, नेचुरल क्लाइमेट कैसा है ऊपर वाली लेयर के अंदर, उसी पे डिपेंड करेगा वेजिटेशन।
दिस इन टर्न इंडिकेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी स्पॉटेड, और उसी वजह से जैसा वेजिटेशन होगा उसी टाइप के वहाँ पे एनिमल्स वहाँ पे होंगे। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेनेथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। अब यहाँ से आपका 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट लाइन से ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सिमिलरली अगर हम एक्वाटिक एनवायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो जैसे ये मान लीजिए वाटर है, ये सारा वाटर तो कहीं ना कहीं तो वहाँ पे सरफेस होगा, अर्थ का सरफेस होगा, तो वो अर्थ का जो सरफेस है वो उसका सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है उसी पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो बेंथिक एनिमल्स होते हैं, बेंथिक कौन से एनिमल्स होते हैं, जो ओशियन है, ओशियन में ये वाले मान ले अर्थ की लेयर है, तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे, क्लियर है, यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उनको बोलते हैं बेंथिक एनिमल्स। वो कैसे हैं वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ये जो लेयर है वो उसका सेडिमेंट वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं, ये सारे एबायोटिक फैक्टर हमने देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, यानी ये जो अलग अलग एबायोटिक फैक्टर हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कैसा होता है, क्लियर है। अब देखिए, हैविंग रियलाइज दैट द एबायोटिक कंडीशन ऑफ मैनी हैबिटेट वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम, अब ये बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती है, वी नाउ आस्क हाउ डू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन, अब ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई ए हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बोदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। अब ये हमें ये भी पता होना चाहिए उससे पहले कि अगर हाईली वेरिएबल एनवायरनमेंट है तो वो कैसे एक ऑर्गेनिज्म को बोदर करेगा, यानी वहाँ पे कैसे उसको सर्वाइव करने के लिए अलग चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मेनी स्पीसीज वुड हैव इवॉल्व्ड अ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल विद इन द बॉडी एनवायरमेंट दैट परमिट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू प्रोसीड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड दस इनहेंस द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीसीज। तो ये सब कुछ जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं उन्होंने ऐसा अडेप्टेशन कर लिया है कि बाहर का टेम्परेचर कैसा भी होता रहे उनका जो इंटरनल जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मेमल्स एंड बर्ड्स, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो लगभग सेम रहता है, बाहर का टेम्परेचर कैसा भी चलता रहे, एनवायरमेंट जो होता है उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है बट जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो चेंज रहता है, उसकी वजह से ओवरऑल फिटनेस आती है। दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो हमारा ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन भी मेंटेन रहता है और ऑप्टिमल टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट ऑफ इट्स एनवायरमेंटल इंटरनल एनवायरमेंट, और ये क्या करता है पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ट्राई करता है कि जो उसका इंटरनल एनवायरमेंट है वो सेम रहे, और उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, होमियोस्टेसिस, जिसके अंदर मेमल्स और बर्ड्स आते हैं। डिस्पाइट वेयरिंग एक्सटर्नल environmental condition that tend to upset of its homeostasis, let us take an analogy to clarify this important concept, तो इसके हम एक concept के through समझते हैं। देखिए, suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degree Celsius, मान लेते हैं कि एक और जो human being है वो सबसे अच्छा work तभी कर पाएगा जब उसके आसपास का temperature 25 degree Celsius है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, सो इवन वेन इट इज कॉलिंग हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड इट कुड बी अचीव एट द होम, तो यहाँ पर वो होम बनाया जाता है ताकि वो 25 डिग्री सेल्सियस रह जाए। इन द कार वाइल ट्रेवलिंग एट वर्क प्लेस बाई यूजिंग एयर कंडीशन इन द समर, अगर समर है तो वो एयर कंडीशन का यूज़ कर सकता है और अगर विंटर है तो वो हीटर का यूज़ करके वो टेम्परेचर जो बाहर का 25 डिग्री सेल्सियस रख सकता है। अब उससे होगा क्या, देन हीज हर परफॉर्मेंस वुड ऑलवेज बी मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम, तो अब उसके आसपास कैसा भी वेदर रहता रहे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे मैक्सिमम निकल कर आएगी जब उसके आसपास का टेम्परेचर कैसा रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तब आपको पता है कैसा नहीं रहता है। हेयर द पर्सन होम्योस्टेसिस इज एकम्पेस्ड नोट थ्रू फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन, तो बट यहाँ पर तो हमने आर्टिफिशियल यूज़ किया है बट आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके द्वारा जो है वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, हाउ डू यू लिविंग अदर ऑर्गेनिज्म को विद द सिचुएशन लेट अस टुगेदर वेरियस पॉसिबिलिटी, अब हम बहुत सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं जिसके द्वारा कोई भी जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस टाइप से जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो डायग्राम है यहाँ से आपका AIPMT 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल काफ़ी चेंज हो रहा है और ये बोला गया इंटरनल लेवल। अब इंटरनल लेवल अगर किसी का सेम है, देखिए रेड लाइन में बिल्कुल बोला है इंटरनल लेवल बिल्कुल सेम है एंड एक्सटर्नल लेवल काफ़ी चेंज होता रहा है तब भी, तो उसको बोला जाता है रेगुलेटर।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए पार्शियल रेगुलेटर किसको बोला जाता है कि एनवायरमेंटल लेवल एक बार चेंज होता है तब तक उसके साथ में चेंज होता है, बट बाद में क्या होता है उसका इंटरनल लेवल एक ही स्टेट में रहता है, उसको बोला जाता है पार्शियल रेगुलेटर। और कन्फर्मर्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स जो होते हैं जैसा एक्सटर्नल लेवल होगा वैसे उनका इंटरनल लेवल चेंज होता रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, क्लियर है। तो उनको क्या बोला जाता है, कन्फर्मर्स बोला जाता है। यहाँ से आपका AIPMK 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके तो अभी एक एक बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटर के बारे में। अब रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि जो इंटरनल लेवल है वो मेंटेन रहेगा, एक्सटर्नल लेवल चाहे चेंज होता रहे। तो यहाँ पे यही बोला गया, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाते हैं बाय फिजियोलॉजिकल सम टाइम बिहेवियरल, या तो वो फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल दोनों तरह से उसको मेंटेन कर पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, विच इंश्योर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिसका मतलब है कि कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहेगा और कॉन्स्टेंट ही ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन रहेगी। अब ये किसके अंदर होता है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड ए वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड केपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, इसके अलावा कुछ एक लोअर वर्टिब्रेट्स या फिर कुछ एक इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिलती है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे आर लिव इन एंटार्क्टिका और इन सहारा डेजर्ट। तो इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि जो मैमल्स है वो इतना ज़्यादा डेवलप इसी वजह से हो पाया क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, चाहे वो एंटार्क्टिका में रहे चाहे वो सहारा डेजर्ट के अंदर रहे, उसका जो मेंटेन है वो तो कॉन्स्टेंट रहता है बॉडी टेम्परेचर, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पर सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास में कुछ ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे एसी व हीटर वगैरह, जिसकी वजह से वो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू वंस दैट वी ह्यूमन यूज। तो जो हम ह्यूमन्स हैं उन सबके पास में भी एसी या फिर हीटर वगैरह नहीं है और ये 24 आवर्स अवेलेबल भी नहीं रहते हैं। तो अब नेचुरल ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिनके द्वारा जो ह्यूमंस वगैरह, जो मैमल्स वगैरह होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात लेते हैं, वी मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हम एक 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब समर्स में क्या होता है, समर्स में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, तो उस टाइम क्या होता है, वी स्वेट प्रोफ्यूसली, हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट इवेपोरेशन कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपन व्हेन ए डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन। तो जैसे एक डेजर्ट कूलर चल रहा होता है सेम उसी टाइप से हमारे अंदर से बहुत सारा जो है स्वेट बाहर निकलता है, जैसे ही हवा लगती है तो वो हमें शरीर को कैसी लगती है, कूल कर देती है और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, ब्रिंग डाउन द कूल। अब बात करते हैं विंटर के अंदर, तो विंटर के अंदर क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री, जो 37 डिग्री से काफ़ी जब कम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सीवरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमारे बॉडी में हम देखते हैं सुबह ना कहते हैं ऐसे जब, तो यहाँ पर ये सब कुछ क्या है, ये हमारे जो है वो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है जिसकी वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और वो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर उसको इंक्रीज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, तो प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिसके द्वारा वो इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। अब हम बात करते हैं कन्फर्मर्स की, तो कन्फर्मर्स के अंदर क्या था, कन्फर्मर्स के अंदर यही था कि जैसे जैसे बाहर का एक्सटर्नल जो लेवल है वो चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरनल लेवल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिख रखा है, एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी 99% ऑफ द एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट, यानी लगभग सभी प्लांट्स और ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स जो होते हैं उनका जो है वो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है। तो अब होता क्या है, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एम्बियंट टेम्परेचर, तो जैसा बाहर का टेम्परेचर उसी टाइप का उनका बॉडी का टेम्परेचर। इन एक्वेटिक एनिमल द ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड चेंज विद दैट ऑफ द एम्बियंट वाटर, और अगर हम ऑस्मोटिक कंसेंट्रेट की बात करें तो उसमें भी क्या होता है कि बाहर की जैसी ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बाहर की वैसी बॉडी की वाटर ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन। दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिंपली कन्फर्मर्स, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, कन्फर्मर्स बोला जाता है। अब ये जो कन्फर्मर्स होता है इसमें ये होता है, हमने अभी देखा कि रेगुलेटर जो होते हैं उनका जो मेंटेन रहता है टेम्परेचर, तो ये जो कन्फर्मर्स है उनके अंदर भी अडेप्टेशन आके ये भी रेगुलेटर क्यों नहीं बन जाते। कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी मस्ट आस्क वाई दीज कन्फर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर, तो इनको भी इवॉल्व हो जाना चाहिए और बन जाना चाहिए रेगुलेटर, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं,
जैसे हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के लिए भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एक एयर कंडीशन को अफोर्ड कर पाएँ। इसी टाइम से हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, तो जो कन्फर्मर्स हैं उनको रेगुलेटर बनने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत हर कोई नहीं पे कर पाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैनी सिंपल स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देमसेल्व टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। तो जो थर्मो रेगुलेशन है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है। इसी वजह से आप देखोगे कि अगर हम बात करें समर्स की, तो समर्स में हम कि वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम स्वेटिंग के द्वारा वाटर बाहर निकालते हैं। विंटर के अंदर देखेंगे तो फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम वहाँ पर एनर्जी जो हीट की फॉर्म में ज़्यादा बाहर निकालते हैं। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स। अब यहाँ पर ये स्मॉल एनिमल्स के लिए भी सेम टाइप है, लाइक श्रू एंड हमिंग बर्ड्स। तो ये श्रू एंड हमिंग बर्ड्स है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल एनिमल्स है। हीट लॉस और हीट गेन जो होता है वो फंक्शन होता है सरफेस एरिया का, यानी हीट लॉस कितनी होगी और हीट गेन कितनी होगी वो आपका किसका फंक्शन है, सरफेस एरिया का। अब जो जितना स्मॉल होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल विंटर्स की बात करें, तो विंटर्स में जो आपकी फिंगर्स होती है, जो हैंड की फिंगर्स होती है, हाथों की जो उंगलियां होती है, उसको ज़्यादा ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, तो जो स्मॉल एनिमल्स होंगे उनका लार्जर सरफेस एरिया होगा और उसकी वजह से क्या होगा, दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट। और उसकी वजह से जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है तो वो जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग में आएगा उसी हिसाब से उसका ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस होगा, जहाँ पे जब आउटसाइड कोल्ड होगा। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी, इसकी वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब ज़्यादा एनर्जी अगर वो एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब उनको फूड भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म, दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। और इसी वजह से क्या होता है कि पोलर रीजन में हमें स्मॉल एनिमल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट आर टेकन इन टू कंसिडरेशन। सम स्पीसीज हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म। तो ज़्यादातर इस वजह से क्या रह गए, कन्फर्मर्स रह गए। अब यहाँ पे देखिए, इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज टू रिमेन ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। अब यहाँ पे ये बोला गया कि जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो काफ़ी कम टाइम के लिए आती है। फॉर एग्जांपल विंटर, अगर हम जहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, विंटर जो आता है वो आपका 2 मंथ से 4 मंथ आता है, जनरली 5 मंथ मान लीजिए। अब अगर हम 12 मंथ्स में से यहाँ पे ये बात करें तो यहाँ पे आपके पास में जो 8 to 10 मंथ है वहाँ पर क्या है, विंटर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे सर्दी नहीं है इस टाइम पे। तो ये एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए आ रहा है। इस टाइम पे क्या होता है, कुछ अल्टरनेटिव मेथड अपनाए जाते हैं जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सर्वाइव करने के लिए। उसमें से मेथड कौन कौन से है, एक है माइग्रेट कर जाना और एक है सस्पेंड हो जाना। अब माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू ए मोर हॉस्पिटलाइबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है जब भी यहाँ पे टेम्परेरी कंडीशन स्ट्रेसफुल हैबिटेट आ जाती है तो वो वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है जहाँ पे ज़्यादा अच्छा एरिया है, जहाँ पे वो उस एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएगा। इन ह्यूमन एनालॉजी की बात करें, दिस स्टेज इज लाइक ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब समर का टाइम है तो एक दिल्ली से शिमला चला जाता है एक पर्सन, तो वो सेम एक माइग्रेट कर रहा है। मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स, ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं ड्यूरिंग विंटर, विंटर के टाइम पे क्या करते हैं, अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटल। वो एक लॉन्ग डिस्टेंस में माइग्रेट करते हैं और जो ज़्यादा हॉस्पिटेबल एरिया है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी विंटर, हर एक विंटर के अंदर द फेमस कियोलाडो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान के अंदर है, होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। जो एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन है वहाँ से बहुत सारे बर्ड्स होते हैं वो कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर के अंदर आते हैं, राजस्थान के अंदर, और यहाँ से आपका नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा हम ये बात करें कि जो आपका सरफेस एरिया की हमने बात की थी कि हीट लॉस और हीट गेन जो है वो एक सरफेस एरिया पे वाला है, यहाँ से आपका 2016 में क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं सस्पेंड के बारे में। सस्पेंड में क्या मतलब होता है, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गई, लोअर प्लांट्स हो गए या फिर अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए इसी टाइप के, वो क्या करते हैं, वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर बना लेते हैं विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। तो जब तक वो अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, जो स्पोर बनाए हैं थिक वॉल वाले, तो वो वहाँ पर पड़े रहेंगे और जैसे ही अच्छी सूटेबल एनवायरनमेंट आएगा वो जर्मिनेट करेंगे और वहाँ पर वो बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स वगैरह वो वापस ग्रो हो जाएंगे।
इसी टाइप से अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो वहां पर होता है सीड, आपने सबने देखा होगा। सीड भी आप बोल सकते हो एक टाइप का सस्पेंड है। यहां पे क्या होता है, एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज द मींस टू टाइड ओवर पीरियड टू स्ट्रेस बिसाइड द हेल्पिंग इन डिस्पर्सल। तो ये इसके अलावा तो डिस्पर्सल में भी होते हैं और इसके अलावा जो स्ट्रेस कंडीशन होती है उसको आपको जो है वो निकालने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो अब आप सीड को जैसे ही एक जर्मिनेट करते हो उसको फेवरेबल मॉइस्चर और टेम्परेचर कंडीशन देते हो तो वो सीड ग्रो कर जाता है। तो इसका मतलब उससे पहले वो कौन सी कंडीशन में था, सस्पेंडिंग कंडीशन में था। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी। तो यहाँ पे जो सीड होता है वो किस कंडीशन में चला जाता है, डोरमेंसी की कंडीशन में चला जाता है जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को काफ़ी लो कर लेता है। अब बात करते हैं एनिमल्स की। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वो माइग्रेट नहीं कर पा रहा है तब वो क्या करेगा, देखिए, माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। तो वो टाइम को एस्केप करने के लिए अलग अलग चीजें यहाँ पे लाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या, द फेमिलियर केस ऑफ बियर्स गोइंग इन टू हाइबरनेशन। ध्यान से याद रखना है, हाइबरनेशन आएगा, एस्टिवेशन आएगा, इसके अलावा डायपोज आएगा। तो जो आपके बियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम पे हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, विंटर आने से पहले बहुत सारा फूड वो कंज्यूम कर लेते हैं और फिर जाके वो डीप स्लीप लेते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, जब तक कि वहाँ पे विंटर निकल ना जाए। इज ए एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन द टाइम, ये किसका है, बियर्स का है। अब बात करते हैं स्नेल्स की। सम स्नेल्स एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो वो समर रिलेटेड प्रॉब्लम को निकालने के लिए एस्टिवेशन फेज में चले जाते हैं, हीट एंड डेसिकेशन में। इसी टाइप से अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मेनी जू प्लैंक्टन, तो बहुत सारे जू प्लैंक्टन जो लेग्स वगैरह पॉन्ड्स वगैरह में रहते हैं वो डायपोज कंडीशन में चले जाते हैं, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। डायपोज का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो रुक जाती है। जू प्लैंक्टन ऐसा टाइम करते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं, सस्पेंड में आते हैं। चाहे आपका हाइबरनेशन बियर्स के अंदर हो गया, इसके अलावा एस्टिवेशन है वो स्नेल एंड फिश के अंदर हो गया, जू प्लैंक्टन के अंदर डायपोज हो गया। क्लियर है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं अडेप्टेशन वाला। अडेप्टेशन वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2008 में, 12 में, आपका 13 में और 2021 में क्वेश्चन आया। अब कहाँ कहाँ से आया है वो हम आगे चीज़ें देख लेंगे। ओके, अब देखिए, व्हाइल कंसिडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर कॉपिंग विद एक्सट्रीम इन देयर टेम्परेचर, वी हैव सीन दैट सम ऑफ आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट वाइल अदर डू सो बिहेवियरली। अब देखिए, ज़्यादातर अब कैसे कैसे अडेप्टेशन हो सकता है, एक तो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट हो जाए, यानी उसकी बॉडी के अंदर कुछ टाइप के चेंज हो जाए। एक होता है बिहेवियर। अब बिहेवियर कैसा होता है, बिहेवियर जैसे माइग्रेट हो गया, वहाँ पे टेम्परली क्या हो गया, वो लेस स्ट्रेसफुल कंडीशन में माइग्रेट कर गए, तो वो उनका बिहेवियर था। क्लियर है, तो उस टाइप से भी उसने क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। एक तो फिजियोलॉजिकल अडेप्ट कर लिया, एक बिहेवियरल अडेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, दीज रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो एक्चुअली देयर अडेप्टेशन। तो ये जो रिस्पॉन्स है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो चाहे बिहेवियरल हो, ये सब किसके अंदर आते हैं, अडेप्टेशन के अंदर आते हैं। अब अडेप्टेशन में तीन चीज़ें हो सकती है, देखिए। सो वी कैन से दैट अडेप्टेशन इन एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो यानी उसका स्ट्रक्चर हो, फिजियोलॉजिकल हो उसके अंदर जो फैक्टर है उसमें, या फिर उसका बिहेवियर हो, दैट अनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, मैनी अडेप्टेशन हैव इवॉल्व्ड ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल है, वो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म के अंदर आए हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए अपने हैबिटेट के अंदर। अब बहुत सारे अडेप्टेशन जो हैं वो लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम के आए हैं और वो जेनेटिकली फिक्स हो चुके हैं, यानी उसके अंदर जीन्स के अंदर चले जा चुके हैं, यानी वो अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंडीशन के अंदर चलते रहेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से 2008 और 2021 में इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। मैनी अडेप्टेशन हैव इवॉल्व ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कैंगेरू रेट का। अब जो कैंगेरू रेट होता है वो कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट के अंदर। अब ये क्या करता है, इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फेट ऑक्सीडेशन। तो इसको जितना भी वाटर की रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये डेजर्ट के अंदर रहता है, तो वहाँ पे इसको जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी कहाँ से कंप्लीट करता है, इंटरनल फेट ऑक्सीडेशन से। अब होता है क्या, जैसे वो फेट ऑक्सीडेट कर रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर एक बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको मिल जाता है। तो अगर वो वाटर मिल तो गया, अगर वो ज्यादा उसको बाहर निकाल देगा यूरिन की फॉर्म में, तो भी वहां पर क्या होगी, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या कहता है, इट हैज आल्सो द एबिलिटी टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए भी वो बहुत कम वाटर का यूज करता है। इस टाइप से कैंगेरू रेट जो होता है वो क्या कर पाता है, आपका एडेप्टेशन कर पाता है। क्लियर हो गया ये चीज। ओके,
अब आगे देखते हैं, मैनी डेजर्ट प्लांट, इसी टाइप से अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें तो हैव ए थिक क्यूटिकल, उनके बाहर एक थिक क्यूटिकल होता है ऑन देयर सरफेस लीफ सरफेस, एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन ए डीप पिट्स, जो डीप पिट्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसको बोलते हैं संकन स्टोमेटा, क्लियर है, टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपीरेशन, और इसकी वजह से क्या होता है वो जो उनका वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो कम से कम हो पाता है। इसके अलावा देखिए, दे ऑल्सो हैव ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, इनके अलावा एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिसको बोलते हैं कैंप प्लांट्स, दैट अनेबल देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, और जो कैंप प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है जो स्टोमेटा होता है वो डे टाइम पे जो होता है वो क्या होता है क्लोज रहता है, और नाइट के टाइम पे थोड़ा वो ओपन होता है, तो उनको बोलते हैं कैंप प्लांट्स। सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनशिया, इसके अलावा देखिए ओवर एडेप्टेशन क्या हो सकता है, जैसे ओपनशिया हो गया, हैव नो लीव्स, उसके पास में कोई लीव्स ही नहीं है, दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस एंड आर फोटोसिंथेटिक फंक्शन टू टेक ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम, तो जो स्टेम होता है वही फोटोसिंथेसिस करता है ओपनशिया के अंदर ताकि वहां पे वाटर लॉस कम से कम हो पाए, लीव्स नहीं होगी तो स्टोमेटा वगैरह नहीं होंगे और वाटर कम से कम लॉस हो पाएगा। ये चीज क्लियर होगी, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे एक एक जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना वो अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन बताए गए हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कंगारू रूट का दिया था, सबसे पहले बताया था कि एडेप्टेशन क्या होता है, फिर कंगारू रूट का दिया गया, अब यहाँ पे बताया जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो किस टाइप से अडेप्ट करते हैं, तो इस टाइप से अलग अलग एडेप्टेशन बताए गए एक एक पैराग्राफ के अंदर। अब यहाँ पे मैमल्स की बात करेंगे, अब देखिए मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, जो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर जो मैमल्स रहते हैं जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, तो उनके जो हाथ वगैरह होते हैं जो ईयर वगैरह होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, टू मिनिमाइज हीट लॉस, क्यों, क्योंकि अभी बताया था हीट लॉस जो होता है वो सरफेस एरिया से डायरेक्टली रिलेट करता है, तो अगर सरफेस एरिया जो है वो कम रहेगा तो यहाँ पे आपका हीट लॉस भी कम होगी। दिस इज कॉल्ड द एलन रूल्स, इसको क्या बोलते हैं, एलन रूल बोलते हैं, 2021 में यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। इन द पोलर सी एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स, ध्यान से देखिए, इन पोलर सीज, जो पोलर सीज होते हैं एक्वेटिक मैमल लाइक सील्स हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट, उनके पास में थिक लेयर ऑफ फैट आ जाती है जिसको ब्लबर बोलती है, बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज इन द इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ द बॉडी हीट, उसकी वजह से उनकी बॉडी हीट जो होती है वो काफ़ी कम लॉस होती है क्योंकि उनके पास में थिक लेयर ऑफ फैट आ जाती है जिसको ब्लबर बोलते हैं। ये किसका एग्जाम्पल दिया गया, मैमल्स लाइक सील्स का, ये चीज़ क्लियर होगी, ओके। अब हम बात करते हैं हाइट के अंदर, अगर कोई ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एल्टीट्यूड सिकनेस, यहाँ से भी 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए ये मैच द कॉलम इस टाइप से करेक्ट इनकरेक्ट टाइप से जब क्वेश्चन आते हैं तो एक ही अलग अलग लाइन ले ली जाती है। सम ऑर्गेनिज्म पोजेस एडेप्टेशन दैट आज फिजियोलॉजिकल, अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल की बात करें हैं, विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इफ यू हैव एवर बीन एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस, जब भी कोई एक पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 3500 मीटर से अगर हाई एल्टीट्यूड में चला गया, फॉर एग्जांपल रोहतांग पास नियर मनाली ले, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस, और उसको बोला जाता है एल्टीट्यूड सिकनेस। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, देखिए इट्स सिम्टम्स इंक्लूड नोजिया, उसमें नोजिया की फीलिंग आती है, फैटिग हो जाती है, हार्ट पल्पिटेशन हो जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, क्योंकि वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी वहाँ पे काफ़ी कम है, द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, उसकी वजह से जो बॉडी है वो इनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। बट यहाँ पे क्या होगा, अब अडेप्टेशन आएगा, बट ग्रेजुअली यू गेट एक्यूमुलेटाइज्ड एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस, अब ये एल्टीट्यूड सिकनेस काफ़ी टाइम के बाद में रुक जाता है, क्यों, द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन एबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स, तो वो क्या करने लगती है, अपने रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करने लगती है। AIPMT 2012 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखना कैसे कैसे करती है, सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स के नंबर को इंक्रीज कर देगी, डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी उसको कम कर देगी, एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगी, और इस टाइम से क्या होगा जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है उसको कंपनसेट करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बॉडी के अंदर। Many tribes live in the high altitude of the Himalaya, find out if they normally have a higher red blood cells or the total hemoglobin than the people living. हाँ, तो जो high altitude में रहते हैं उनका RBC count भी high रहता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं, ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारे डीप के अंदर रहते हैं जहाँ पे सनलाइट वगैरह नहीं रहती। इन मोस्ट एनिमल द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हैंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमली इन ए नैरो टेम्परेचर रेंज, इन ह्यूमन यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, बट देर आर माइक्रोब्स जैसे आर्जी बैक्टीरिया हो गए दैट फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर फार एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो अब फॉर एग्जांपल कुछ एक माइक्रोब्स हो गए जैसे आची बैक्टीरिया हो गए, वो वहाँ पर भी रह सकते हैं जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं, और ये सब क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है
किंगडम मोनेरा, वहाँ पे हमने आची बैक्टीरिया पढ़ा था और वहाँ पे ये पढ़ा था कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी यूनिक होती है, थोड़ी सी अलग होती है, उसकी वजह से वो अलग अलग कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाता है आची बैक्टीरिया। और यहाँ से 2013 में भी क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है। तो ये डीप सी के अंदर सबसे डीप सी में कौन मिल सकता है, आची बैक्टीरिया मिल सकता है। ओके, अगर एल्गी के अलावा कोई एग्जाम्पल आता है तो ओके। अब हम आगे बात करते हैं, मेनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो, हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द फ्रीजिंग। तो यहाँ पर देखिए, एंटार्क्टिक रीजन में जहाँ पे बहुत ही टेम्परेचर कम होता है, जीरो से भी कम, तो वो अपने बॉडी फ्लूइड वगैरह को फ्रीजिंग होने से कैसे रोकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ऐसे टाइप के, जो कि उनके बॉडी फ्लूइड को फ्रीज नहीं होने देते हैं। ए लार्ज वेराइटी ऑफ मेराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव एट द ग्रेट डेप्थ। अब हम बात करेंगे प्रेशर कि अगर बहुत डीप के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। ए लार्ज वेराइटी ऑफ मेराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव एट द ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर द प्रेशर कुड बी ग्रेटर देन 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है उससे 100 टाइम्स अगर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो वहाँ पर वो जो फिश वगैरह इन्वर्टिब्रेट्स रह रहे हैं मेराइन के अंदर, वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। हाउ डू दे लिव अंडर सच हायर प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेसिफिक एंजाइम्स। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरमेंट शो ए फैसिनेटिंग एरिया ऑफ बायो केमिकल अडेप्टेशन। और ये जो अडेप्टेशन होता है इसको बोलते हैं बायो केमिकल अडेप्टेशन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स। तो अब हम बात करेंगे बिहेवियरल रिस्पॉन्स के बारे में, टू कोप अप विद द वेरिएशन इन द एनवायरमेंट। एक एग्जाम्पल दिया गया, डेजर्ट लिजार्ड लेक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी टू दैट मैमल्स हैव टू डील विद द हायर टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट। तो जो डेजर्ट लिजार्ड होती है, क्लियर, हमने पहले कंगारू रेट की बात की थी जो डेजर्ट में रहता है, अब हम लिजार्ड की बात करें, तो उसके पास में कोई फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती है, तो वो क्या यूज़ करता है, बिहेवियरल मीन्स यूज़ करता है। 2021 और 2011 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ से, 2011 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कैसे, बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाई बिहेवियरल मीन्स। तो वो बिहेवियरल मीन्स से अपने जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कॉन्स्टेंट रख सकता है। कैसे, दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट वेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कम्फर्ट जोन। तो उनका जब बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है तो वो सन के नीचे आके बैठ जाते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। बट मूव इन टू द शेड वेन देयर एम्बियंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक शेडिंग प्लेस में चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, और इस टाइप से क्या कहते हैं, ये बिहेवियर है। सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ बरोविंग इन टू ए सॉइल टू हाइड एंड एस्केप थ्रू द अबाउ ग्राउंड हीट। और इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती है जो बोरो करके वहाँ पे बरोविंग करके, मतलब वहाँ पे छेद करके और हाइड कर जाते हैं सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, वो भी क्या है, एक बिहेवियरल मीन्स है, क्लियर है। तो ये सब कुछ अडेप्टेशन यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होगा पॉपुलेशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन, होती क्या है। कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हमें नेचर के अंदर नहीं दिखाई देगा, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर बहुत सारे उस ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बने होंगे और उनको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, और फिर वो इंटरब्रीड करके अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पर हम पॉपुलेशन को क्यों स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो भी हम देखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल, यानी नेचर के अंदर हमें एक सिंगल इंडिविजुअल जो है किसी भी स्पीसीज का वो काफ़ी रेयरली मिलता है। मेजोरिटी हमें क्या मिलता है, ऑफ देम लिव इन द ग्रुप्स। ज़्यादातर क्या होते हैं, जो भी एक स्पीसीज होती है वो एक ग्रुप में रहती है, इन ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो ग्रुप में रहती है, तो हमें पता है। अब जब वो वहाँ पर रह रही होती है तो वो क्या करती है, शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्स, क्योंकि वही रिसोर्स उनको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल फूड की अगर हम बात करें तो वही सेम फूड जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स जो ईट करेंगे। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो शेयर कर लेते हैं या फिर वो क्या करते हैं, उसी के लिए कंपीट करते हैं। अब यहाँ पे आगे लिखा है पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस कंस्टिट्यूट ए पॉपुलेशन, और फिर वो क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू और क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन को बनाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, देखिए ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज्यादातर जो इंटरब्रीडिंग टर्म्स होती है वो ज्यादातर किसको बताती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताती है। बट यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड ए पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। अगर हम इकोलॉजिकल स्टडी करें पॉपुलेशन के ऊपर, तो वहाँ पर भी जो इंटरब्रीडिंग है जिसके द्वारा एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो इंटरब्रीडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली भी किसके अंदर आ जाती है, आपकी इंटरब्रीडिंग यानी यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट लिखा है, ऑल द कॉनोमेरेंट्स,
ऑल द कॉर्मोरेंट्स जो क्या होते हैं, कॉर्मोरेंट्स होते हैं आपके बर्ड्स जो ब्लैक कलर के से होते हैं और ये ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, वेटलैंड एरिया के आसपास रहते हैं। तो अब इन्होंने बोला था ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड, रेड्स इन ए एब्डोनिंग वेलिंग, टीक वुड ट्रीज इन ए फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन। यानी ये इन्होंने बताए हैं कि ये अलग अलग जगह रहने वाले अलग अलग टाइप के जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, पॉपुलेशन के एग्जांपल होते हैं। अब यहाँ पे लिख रखा है इन अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न दैट ऑल्दो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज वन दैट हैव टू कोप विद अ चेंज एनवायरमेंट। तो इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक इंडिविजुअल होता है वो भी जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज करता है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करना पड़ता है। इट इज एट दैट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन, और जब वो पॉपुलेशन लेवल पे कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन उसको बोला जाता है। उसे क्या होता है, ऑपरेट्स टू इवोल्व द डिजायर्ड ट्रेड्स, और वहां पर जो डिजायर्ड ट्रेड्स होती है वो इवोल्व हो जाती है। अब यहां पे लिखा गया पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया, तो इसीलिए जो पॉपुलेशन इकोलॉजी की हम स्टडी कर रहे हैं वो अब आपको पता चल चुका होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों, इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, क्योंकि यहां पर जो पॉपुलेशन की जेनेटिक्स और जो इवोल्यूशन होता है उसको डायरेक्ट लिंक करता है किसके साथ में, इकोलॉजी के साथ में, तो इसीलिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें और एक पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें जो होती है वो चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी बर्थ होती है और डेथ होती है, बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर बर्थ रेट होते हैं और डेथ रेट होती है, रेट मतलब अपॉन में, तो यहाँ पे बर्थ अपॉन में टोटल इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल तो है नहीं, पूरा एक ग्रुप है, तो पूरा ग्रुप तो एक साथ में उसकी बर्थ और डेथ नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट होती है। यहाँ से आपके नीट 2020 और 2022 में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो बर्थ रेट वाला है वहाँ से 2020 में आए थे और जो डेथ रेट वाला है वहाँ से 2022 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, अब देखिए लिखा हुआ है इन ए पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ, यानी जो पर कैपिटा बर्थ और डेथ होती है उसको क्या बोलते हैं, रेट्स बोलते हैं। द रेट हेंस एक्सप्रेस आर चेंज इन नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं, अगर वो बर्थ रेट है तो इंक्रीज होंगे, डेथ रेट है तो वो डिक्रीज होंगे विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसके अकॉर्डिंग में कितने इंक्रीज हुआ और कितने डिक्रीज हुआ, उस टाइप से निकलता है बर्थ रेट और डेथ रेट। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बर्थ रेट वाला बता चुका हूं 2020 में आया था और जो आपका डेथ रेट वाला है वो 2022 में आया था। Here is an example, एक example दिया है, if in a pond there are 20 lotus plant, यानी एक pond है उसके अंदर total 20 lotus plant है last year, through reproduction 8 new plants are added, और फिर वहां पे reproduction होता है और नए 8 plant आ जाते हैं। अब current में कितनी है, taking the current population 28 है, तो अगर हमें birth rate निकालना है तो starting में जो population कितनी थी वो थी 20 और यहाँ पे reproduction के through नए कितने आए, तो वो आए 8, तो हम 8 upon 20 करेंगे और फिर हमें निकलेगा 0.4, तो इस type से यहाँ पे आ जाएगा कि offspring per lotus per year, ये हमारी birth rate निकल के आई है। डेथ रेट में भी ऐसा ही होगा, अब यहाँ से 2022 में पूछा गया था, यहाँ पे 4 की जगह बस 8 कर दिया गया था। इफ 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज, यहाँ पे 80 कर दिया था क्वेश्चन में, डाई ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल से ए वीक, द डेथ रेट इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 4/40 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक निकल के आया था। यानी यहाँ पे टोटल जो है वो कितना डिक्रीज हुआ, 4 हुआ, और टोटल स्टार्टिंग में कितनी थी, 40 थी, तो 4/40 आ जाएगा, इस टाइप से निकल कर आया था। क्लियर है, इसी टाइप से यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है, ये तो हो गया बर्थ रेट और डेथ रेट, अब एक और निकल के आता है वो होता है सेक्स रेशियो। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, एन इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल, एक इंडिविजुअल या तो मेल हो सकता है ये फीमेल हो सकती है, बट एक पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है, इसका मतलब क्या, देखिए फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि अगर यहाँ पे 100 इंडिविजुअल है कोई एक पॉपुलेशन के अंदर, तो उसमें से अगर 60 जो है वो फीमेल्स है और 40 जो है वो फीमेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% मेल्स, तो इस टाइप से आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पे सेक्स रेशियो होते हैं, मेल और फीमेल नहीं होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं, ए पॉपुलेशन एट एटी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट एजेस, एक पॉपुलेशन होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एज होती है, फॉर एग्जाम्पल ये होगी प्री रिप्रोडक्टिव एज, ये होगी रिप्रोडक्टिव और ये होगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो इसी के बेस पे हमने जो है अलग अलग टाइप से क्या बनाए हुए हैं, यहाँ पर पिरामिड बनाए हैं। ये पिरामिड वाला जो आपका पैराग्राफ है, चाहे इससे पहले ये डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, तो AIPMT 2007 में आया, फिर 2009 में आया, फिर 2011 में आया, देन उसके बाद में नीट 2013 में आया और नीट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको डिटेल में समझना है, इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब होता क्या, देखिए
इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एज पिरामिड। तो इस टाइप से जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं एज पिरामिड। क्यों? क्योंकि ये प्री रिप्रोडक्टिव एज हो गई, ये रिप्रोडक्टिव हो गई और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गई। अब फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल। अब ये यहाँ पे सेंटर में जो लाइन है यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल में नहीं दिया, इधर हम मान लेते हैं मेल है और इधर हम मान लेते हैं फीमेल है। तो इस टाइप से भी यहाँ पे शो किया जाता है कि कितने मेल है और कितने फीमेल है। क्लियर है? और यहाँ पर ये चीज क्लियर बताई जाती है। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए डायग्राम द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ग्रोथ स्टेटस है, यहाँ पे ये बताया गया कि ये ग्रोविंग स्टेज है, ये स्टेबल है और ये डिक्लाइन है। कैसे पता चलेगा? देखिए अगर प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है, अब अगर ये अपने अकॉर्डिंग इतने ही रिप्रोडक्शन, अब ये स्टेज जब यहाँ पे जाएगी, ये इतने सारे इंडिविजुअल जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहले इतने हैं और फिर इतने ज्यादा हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीज हो रही है, तो एक्सपेंड हो रही है, पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है। उसके बाद में बात करते हैं स्टेबल में। इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव का ज्यादा रोल नहीं होता, इन दोनों का ज्यादा रोल होता है, इससे पता चलता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर ये कितना भी ज्यादा ऐसे कर दें और यहां पे रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव को अगर इस टाइप से दिखाया जाएगा तो इसी के बेस पे हमें पता चलेगा कि वो एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है, डिक्लाइन है। क्लियर है? ओके, स्टेबल में क्या है? देखिए जितने रिप्रोडक्टिव वाले हैं सेम उतने ही क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, तो ये है स्टेबल। अब डिक्लाइन क्या हो रहा है? देखिए रिप्रोडक्टिव वालों से यहाँ पे आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम है, तो इसका मतलब जब ये रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पे ये बताया गया है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब कोई भी जो एक पॉपुलेशन होता है उसका एक साइज होता है, वो बहुत सारी चीजें बताता है। इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट वेदर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेशन ए पॉपुलेशन बी इज द आउटकम ऑफ द कंपटीशन विद द अनदर स्पीसीज। तो इससे ये भी पता चलता है जब कंपटीशन होगा अनदर स्पीसीज के साथ में तो क्या इंपैक्ट निकल कर आएगा। ओके, क्लियर है? ओके, इसके अलावा द इंपैक्ट ऑफ द प्रीडेटर और द अफेक्ट ऑफ द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन वी ऑलवेज इवोल्यूट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। तो हम उसमें कैसे पता लगाते हैं कि उसका पॉपुलेशन साइज कितना ज्यादा चेंज हो चुका है? तो उस टाइप से हमें पता चल जाता है कि उसकी पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी, स्टेबल रहेगी, डिक्लाइन होगी, ये सब कुछ। अब यहाँ पर देखिए जो पॉपुलेशन का साइज है वो कैसा भी हो सकता है। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10। तो लेस देन 10 भी यहां पर क्या हो सकता है? साइज हो सकता है किसी पॉपुलेशन का। फॉर एग्जांपल दिया गया है साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर। एक ईयर में जो साइबेरियन क्रेन्स है अगर जब वो भरतपुर के अंदर आते हैं तो वहां पर वो लेस देन 10 भी हो सकते हैं। ये बर्ड्स होते हैं साइबेरियन क्रेन्स। इसके अलावा गो इन टू मिलियंस, किसी की पॉपुलेशन मिलियंस में भी चली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पोंड के अंदर क्लेमाइडोमोनास देखेंगे तो वो मिलियंस के अंदर रहते हैं। क्लियर है? तो पॉपुलेशन जो साइज होता है उसको टेक्निकली हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिजाइनेटेड एज एन। एन का मतलब यहां पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली। कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा नंबर्स में ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। बायोमास में भी उसको काउंट किया जा सकता है और डेंसिटी में भी। देखिए although total number is generally is the most appropriate measure of the population density, ज़्यादातर तो अगर हम total number count कर पाएँ तो वो बहुत best होता है, but इस पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम number count कर पाएँ। it is in some cases either meaningless or difficult to determine। क्यों? अब for example दिया गया है एक biomass का, in an area if there are 200 carat grass Parthenium histrophorus। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका कैरेट ग्रास है, मान लेते हैं कि किसी एरिया में ये कितने होते हैं? 200 होते हैं। कैरेट ग्रास काफ़ी स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे से हाइट तक जाते हैं और स्मॉल होते हैं। ये मान लीजिए 1 to 2 feet हाइट तक होते हैं अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? बट ओनली ए सिंगल ह्यूज बनियान ट्री विद ए लार्ज कैनोपी। अगर उसी के पास में एक बहुत बनियान ट्री है और उसकी कैनोपी यानी जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये काफ़ी लार्ज है, तो इसके पास में अगर एस टाइप के अगर 200 प्लांट हैं भी किसके? कैरेट ग्रास के, तो भी यहाँ पर इसका जो बायोमास होगा वो इनके बायोमास से ज़्यादा होगा, चाहे वो ऑटोट्रॉप से फूड का सिंथेसाइज करना हो चाहे कुछ भी करना हो। क्लियर है? बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियान ट्री विद अ लार्ज कैनोपी स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ द कैरेट ग्रास अमाउंट टू अंडरस्टैंडिंग द एनॉर्मस रोल ऑफ द बनियान इन दैट कम्युनिटी। इन सच केस परसेंट कवर ऑफ द बायोमास इज मोर मीनिंगफुल। तो यहाँ पर अगर हम नंबर देखें तो हम कह देंगे कि भाई ये जो बनियान ट्री है वो काफ़ी कम है, उसकी पॉपुलेशन कम है, बट वहीं पे अगर हम जब बायोमास की काउंट करेंगे तो वहाँ पर ये जो है मोर मीनिंगफुल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर देखा जाएगा कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है और वो कितना एरिया वगैरह कवर करें।
टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजिली एडोप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल। टोटल नंबर हम ऐसे भी नहीं मान सकते हैं अगर वहां पे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ यू हैव ए डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, अगर एक हमने कल्चर ले लिया उसमें बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, तो क्या हम उसके नंबर को काउंट कर पाएंगे? कभी काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया लेके और फिर देख लिया जाता है कि उस एरिया में कितने बैक्टीरिया, और फिर उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया जाता है कि लगभग कितने मल्टीप्लाई कितने होंगे। तो वो एक इस टाइप से निकाला जाता है, उसको पॉसिबल नहीं है। सम टाइम फॉर सर्टन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर आज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, और उनको जरूरी भी नहीं है कि टोटल पॉपुलेशन नंबर निकाले। रिलेटिव डेंसिटी सर द पर्पज इक्वल, तो रिलेटिव डेंसिटी अब आपको समझ में आ चुका होगा, एक पर्टिकुलर एरिया से निकाल के टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर लो कि वो निकलकर लगभग इतनी आएगी। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कोट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ हिज टोटल पॉपुलेशन। तो अब सी में कितनी सारी फिशेज हैं उसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं, हर एक फिशेज को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में काउंट कर ली जाती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी फिश है, तो टोटल इतने एरिया, तो इसमें लगभग कितनी फिश हो सकती है, इस टाइप से। क्लियर है? वी आर मोस्टली ऑब्लिगेट टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअल काउंटिंग देम और सीइंग देम। द टाइगर सेंसेस इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन द पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो टाइगर्स होते हैं टाइगर सेंसेस के अंदर, वहां पे टाइगर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनको ऐसे टोटल काउंट नहीं किया जाता है। उनको कैसे, उनके पग मार्क्स कितने हैं और उनका फीकल पैलेट वगैरह से, उस टाइप से उनको काउंट किया जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। जो साइज होता है किसी भी पॉपुलेशन का और किसी भी स्पीसीज का, वो स्टैटिक पैरामीटर पर नहीं होता, यानी वो फिक्स नहीं होता है। एक पॉपुलेशन साइज वो हमेशा चेंज होता रहता है विद द टाइम। अब यहाँ पे लिखा देखिए, इट कीप चेंजिंग विद द टाइम, यानी जो पॉपुलेशन होती है वो टाइम के साथ में चेंज होती रहती है, चाहे वो इंक्रीज हो रही हो चाहे वो डिक्रीज हो रही हो। बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि पॉपुलेशन स्टेबल रहती हो। डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। कौन कौन से हो सकते हैं? इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, यानी उस पॉपुलेशन के लिए, उस स्पीसीज के लिए वहां पे किस टाइप का फूड अवेलेबल है। सेकेंड है प्रीडेशन प्रेशर, यानी वहाँ पे उनके लिए प्रीडेटर जो उनको ईट कर जाएंगे या उनको खत्म कर सकते हैं, वो प्रेशर कितना है। और वेदर की कंडीशन कैसी है, अगर वहाँ पे एडवर्स वेदर होगा तो ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिव है वो क्या है, एडवर्स वेदर है। और फूड अवेलेबिलिटी अगर वो चीज़ नहीं रहेगी तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती रहेगी। इन फैक्ट इट इज दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। और इस तरह से हमें पता चल सकता है इन आइडिया से कि जो पॉपुलेशन है वो फ्लरिशिंग करेगी यानी इंक्रीज होगी, या फिर डिक्लाइनिंग होगी यानी डिक्रीज होगी। ओके, वट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन, द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन फोर बेसिक प्रोसेसेस। अब कुछ भी हो, तो कहीं पर भी एक गिवन हैबिटेट दे दिया जाए और एक गिवन टाइम पीरियड दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं इंडिया की, हम बोल देते हैं कि इंडिया में 2020 में पॉपुलेशन कैसी रहेगी, यानी टोटल कितनी पॉपुलेशन थी। तो उसमें मेजरली फोर फैक्टर जो होते हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे क्या चीज़ होगी। देखिए, फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन द फोर बेसिक प्रोसेस, तो चार प्रोसेस होंगे जिसकी वजह से हम पता चला सकते हैं कि इंडिया में 2020 में पॉपुलेशन क्या रही थी। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं नेटेलिटी और इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन का मतलब है किसी दूसरी कंट्री से जो है वो व्यक्ति जो है अंदर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बांग्लादेश से आ गया, म्यांमार से आ गया, नेपाल से आ गया, श्रीलंका से आ गया, या किसी अदर जो है कंट्री से आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। नेटेलिटी क्या होती है, बर्थ रेट, तो हमारे कंट्री के अंदर कितनी बर्थ हुई उस पर्टिकुलर 2020 के अंदर। क्लियर है? तो ये दो फैक्टर किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, यानी बहुत सारे लोगों की बर्थ हो गई, नए पॉपुलेशन यहाँ पे ऐड होगी, इसके अलावा बाहर कंट्री से भी पॉपुलेशन आ गई। तो इस टाइप से यहाँ पर ये दो फैक्टर होते हैं, ये क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो इस टाइप से क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब दो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, वो कौन से होते हैं, मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन। अब मोर्टेलिटी में क्या होता है, मान लीजिए हमारा इंडिया है, ओके, अब इंडिया से बहुत सारे जो हैं वो बाहर चले गए वर्क के लिए, चाहे वो सऊदी अरेबिया चले गए, चाहे वो फिर USA चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए, रशिया चले गए, किसी भी पर्पज से, तो वो क्या हो गया, कंट्री से बाहर चले गए 2020 में, चाहे वो स्टडी के लिए चले गए, चाहे वर्क के लिए चले गए, चाहे किस टाइप से भी। और या फिर ये मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ रेट, यानी कितनी पॉपुलेशन थी उसकी डेथ हो गई 2020 पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी वो होगी डिक्रीज होगी। अब याद करने का मैंने जो तरीका अपना रखा है वो है इन। इन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर इनका होता है इनसाइड,
लिखा होता है ना बस के अंदर, दो अगर डोर होते हैं, टू डोर होते हैं, तो एक में लिखा होता है ना इन एंड एक में लिखा होता है आउट। तो इन का मतलब है इनसाइड, मतलब अब अंदर आना। तो अगर मान लीजिए कोई एक जगह है जहाँ पर 10 लोग रहे हैं और इन इन में वहाँ पे 1 2 3 पर करके ऐसे हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इन यानी आई से हो गया इमिग्रेशन, एन से हो गया नेटलिटी, इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये यहाँ पर मैंने इस टाइप से याद कर रखा है। अब बात करते हैं एक एक को डिटेल में कि ये होते क्या। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेटलिटी की। नेटलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी बर्थ हुई है, देट आर एडिड टू द इनिशियल डेंसिटी। तो यहाँ पे उसको क्या बोलते थे, बर्थ रेट हम बोलते हैं। बर्थ रेट को वैसे क्या बोला जा सकता है, नेटलिटी भी बोला जाता है। क्लियर है। सेकंड है मोर्टेलिटी, इज द नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे वो डेथ रेट हो गया। तो इसी टाइप से हमने बात की थी 2020 में, 2020 में बर्थ रेट क्या रही थी और डेथ रेट क्या रही थी, उस टाइप से। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन। अब देखिए इमिग्रेशन में क्या लिखा है, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, अलग स्पीसीज के लिए अलग चीज हो सकती है, दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, यानी उस एक पर्टिकुलर टाइम। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इंडिया में 2020 में मान लेते हैं बाहर से कोई कंट्री, अदर कंट्री से जो पॉपुलेशन आई है, तो इस टाइप से हम उसको बोल सकते हैं, उसको बोलता है इमिग्रेशन। एमिग्रेशन किसको बोलते हैं, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु इज लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन, यानी उस टाइम पे वहां से बाहर जो चले गए उनको बोलेंगे एमिग्रेशन। तो इस टाइप से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है। अब ये देखिए प्लस प्लस वाले हैं एमिग्रेशन और नेटलिटी, बी यहाँ पे क्यों लिखा है बर्थ रेट और डी क्यों लिखा है डेथ रेट, की वजह से लिखा है मोर्टिलिटी में। और यहाँ पे माइनस माइनस क्यों लगाया गया, इमिग्रेशन यानी बाहर चले गए और मोर्टिलिटी डेथ रेट तो भी बाहर चले गए, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी में ये दोनों चीज तो इंक्रीज करिए और ये दोनों चीज डिक्रीज करिए, इस टाइप से बताया गया है। क्लियर है। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, सो इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, यानी एन जो है वो एक पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम टी पर, देन इट्स डेंसिटी एट टी प्लस वन, यानी एक अलग टाइम पे वहाँ पे जो डेंसिटी है वो कैसी हो जाएगी, अगर एन टी पे ऐसी है तो एन टी प्लस वन यानी उस कुछ टाइम बाद में वहाँ पर कैसी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। यहाँ से इस फॉर्मूले से 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से देखिए एन टी यानी वहां में एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो पहले वाली पॉपुलेशन तो रहेगी, उसमें से जो बर्थ रेट और इन वाला जो है आई एन, आई एन मतलब इमिग्रेशन और यहाँ पे बी मतलब यहाँ पे जो नेटलिटी वाला था यानी जो आपका बर्थ रेट है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि ये पॉपुलेशन को प्लस करवा रहे थे, और डी प्लस ई को मिला के इनमें से माइनस कर दीजिए क्योंकि ये दोनों पॉपुलेशन को घटा रहे थे। तो इस टाइप से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है। उसके बाद में क्या होगा, देखिए यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेशन इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ। तो सिंपल, अगर इनका नंबर ज्यादा रहेगा, मान लीजिए इनका नंबर 2 रहता है और इनका नंबर 1 रहता है, तो 2 माइनस 1 क्या रहेगा, 2 माइनस 1 क्या रहेगा 1, तो इसका मतलब यहाँ पे एन टी प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ओके और उसके विपरीत कब होगा, देखिए इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ द इमिग्रेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कंडीशन में ज्यादातर जो पॉपुलेशन डिपेंड करती है वो बर्थ एंड डेथ रेट के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का ज्यादा रोल नहीं रहता है अंडर द नॉर्मल कंडीशन। द अदर टू फैक्टर एज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन। तो यहाँ पे जो हमारा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन वाला फैक्टर है वो स्पेशल कंडीशन के अंदर हम उसको लेते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ ए न्यू हैबिटेट इज जस्ट बींग कॉलोनाइज्ड, एक नया नया हैबिटेट बनाया गया है, तो वहां पर जो इमिग्रेशन है वो कंट्रीब्यूट करेगी मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। सिंपल ऐसा मान लेते हैं कि एक कॉलोनी बनाई गई है। अब एक कॉलोनी बनाई गई है, उसमें एक पीपल जाके रहता है, फिर वो बर्थ करेगा, फिर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो इसकी बजाय अगर बाहर से ज्यादा लोग चले जाते हैं उस कॉलोनी के अंदर, मान लीजिए 10 से 12 लोग वहां पे चले जाते हैं, तो इस टाइम पे बर्थ रेट नहीं जो इमिग्रेशन रेट है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वहां की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। अब पॉपुलेशन से यहाँ पे ग्रोथ मॉडल आते हैं और ग्रोथ मॉडल 2 आते हैं, एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक यानी थोड़ा लॉजिकल और एक्सपोनेंशियल मतलब एकदम से ऐसी पॉपुलेशन बढ़ जाती है कि आप समझते हो एक्सपोनेंशियल मतलब हो गया क्या, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा एकदम से रैपिड जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। अब देखिए डज द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन विद टाइम शोन एनी स्पीसीज एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। तो यहाँ पे जो एक पॉपुलेशन है विद टाइम में वो कैसा शो करेगी वो हमें देखना है। वी हैव बीन कंसर्न अबाउट अनब्रीडल्ड। अब अनब्रीडल्ड का मतलब होता है जिसको कंट्रोल ना किया पाए। अनब्रीडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट बाय इट इन ओवर कंट्री एंड इज देयर फॉर नेचुरल
For us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraint on the growth. तो अगर हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोल्ड मेथड से अगर ग्रो करती रही तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो वो क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देयर फॉर हम नेचुरल जो अलग पॉपुलेशन है उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंसेक्ट की पॉपुलेशन को देख लेते हैं कि वो कैसे इंक्रीज हुई और फिर उसका डिक्रीज होने का रीज़न क्या था। वही सेम रीज़न एक टाइम पे निकलकर ह्यूमन पॉपुलेशन के भी अंदर आएंगे, इसी टाइप के कुछ एक चीज़ें। अब देखिए उसमें पहला हम देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए आपके सामने है यहाँ पे, श्योर हम परहैप्स वी कैन लर्न ए लेसन और टू फ्रॉम द नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, और हम पॉपुलेशन को कैसे ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं वो नेचर से हम सीख सकते हैं। अब यहाँ पे पहली ग्रोथ आती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब ये बोला जाता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है, देखिए रिसोर्सेज यानी फूड भी बहुत ज़्यादा है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। फॉर मान लीजिए आपके लिए रहने के लिए मकान बहुत बड़ा है, आपके खाने के लिए सब कुछ है, तो आप एक पीपल से दो पीपल को ग्रो करोगे, दो से चार, चार से आठ, इस टाइप से ग्रो करोगे। अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ, अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। अगर उसको रिस्ट्रेन नहीं करना, उसको अनकंट्रोल ग्रोथ करवाना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, फूड और स्पेस की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। आइडियली व्हेन रिसोर्स इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी टू रिलीज फुल्ली इट्स इंटेंट पोटेंशियल टू ग्रो इन द नंबर। आइडियली है ये, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अगर हम आइडियली सोचें कि एक हैबिटेट है वहाँ पे फुल स्पेस और फुल अनलिमिटेड उनके लिए फूड है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल पे जो है वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी। एज डार्विन ऑब्जर्व वाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जब डार्विन नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को बना रहा था तब भी उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी। देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन, इसको एक्सपोनेंशियल या फिर जियोमेट्रिक फैशन में बोल सकते हो, डायरेक्ट इस टाइप से ग्रो करेगी पॉपुलेशन। इफ इन ए पॉपुलेशन ऑफ साइज एन द बर्थ रेट, नो टोटल नंबर बट पर कैपिटा, यानी बर्थ रेट आप समझते हो, आर रिप्रेजेंटेड एज बी एंड डेथ रेट अगेन पर कैपिटा डेथ रेट एज डी, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन इन यूनिट टाइम पीरियड टी डी। तो यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन और यहाँ पे किया गया है, तो देखिए डी एन ओवर डी टी करके यहाँ पे बोला गया, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर लेते हैं इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी स्टार्टिंग में वो कितनी आएगी। अब बर्थ माइनस जो डेथ रेट होता है उसको हम बोल देंगे आर। अब आर क्या होगा, आर होगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी एक नेचुरल इंक्रीज हो रहा है इस रेट से। क्यों, क्योंकि बर्थ और डेथ रेट जो होती है वो नेचुरल होती है इस टाइप से। तो इस टाइप से हम करके यहाँ पे इस चीज़ को निकाल लेते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये हम किसके लिए बात करें, ये एक्सपोनेंशियल के लिए बात करें। देखिए आगे लिखा है, द आर इज द इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेंडिंग इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इस टाइप से हमें पता चल जाएगा कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की वजह से पॉपुलेशन के अंदर क्या इंपैक्ट आया है। अब ये जो आर है वो कुछ एक स्पीसीज के लिए बताया गया है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू फॉर द नॉर्वे रेट, जो नॉर्वे रेट है उसकी आर वैल्यू है 0.015 और जो फ्लोर बीटल है उसके लिए जो आर की वैल्यू है वो 0.12 है। इन 1981 के अंदर जो आर की वैल्यू थी ह्यूमन पॉपुलेशन की इंडिया के अंदर वो थी 0.025। अब यहाँ पे बोला गया कि आर की वैल्यू करंट में क्या होगी, तो सिंपल है, जो बर्थ रेट देख लीजिए गूगल करके कि बर्थ रेट इंडिया का क्या चल रहा है, माइनस डेथ रेट देख लीजिए वो क्या चल रहा है, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करके आप निकाल सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ये ग्राफ भी दिया गया, ये जो रेड वाले लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और ये जो ब्लू के अंदर जो हमारा जो है वो लाइन बनाई गई है इस टाइप से, ये किसका है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो है वो हमारे सामने डायग्राम दिया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये किसके बारे में, ये इसी के बारे में जो हम अभी पढ़ के आए थे। क्लियर, ये लिखा हुआ है व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटेड द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल है ए वाला, और बी वाला क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ है। लॉजिस्टिक हम आगे पढ़ेंगे, के होता है कैरिंग कैपेसिटी, यानी वो जो नेचर है वो कितना कैरिंग कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है नेचर के अंदर। एक टाइम पे नेचर से ज्यादा जो है वो चली जाती है पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल के अंदर, बट वो गिर के वापस वहीं आएगी। ओके, अब आगे देखते हैं, द अबाउ इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इसको एक्सपोनेंशियल भी बोला जाता है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी बोला जाता है, पैटर्न ऑफ ए पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इन ए जे शेप्ड कर्व। अब ऐसा भी हो सकता है कि कर्व किस टाइप का आएगा, देखिए जे शेप्ड आया इस टाइप से करके और इस टाइप से कर्व आया, तो इस टाइप से करके आपका बोल सकते हो ये जे शेप्ड कर्व आता है। क्लियर है, अब आगे लिखा गया है, व्हेन द वी प्लॉट एन इन रिलेशन टू टाइम, इफ यू आर फैमिलियर विद द बेसिक कैलकुलेशन यू कैन ड्राइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। तो अब ये इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, एन टी इज इक्वल टू एन टी ई आर टी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये सब कुछ आपको याद पढ़ना रहेगा कि एन टी क्या है, एन टी है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी,
एंड नोट क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, आर क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ई क्या है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। अब ये ई वाला जो था वो ई क्या होता है, इस टाइप से ये करके ये 2021 में क्वेश्चन आ गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे लिखा देखिए, एनी स्पीसीज ग्रोविंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन ए शॉर्ट टाइम। तो एक शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो सकती है अगर उसके पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिया जाए, चाहे वो स्पेस हो चाहे फूड हो। डार्विन शो हाउ इवन ए स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट, अगर जैसे एक एलिफेंट है बहुत स्लो ग्रो करता है, अगर वहां पर भी उसको स्पेस और फूड की अवेलेबिलिटी फुल हो, कुड रीच एनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेक्स, अगर वहां पर कुछ चेकिंग जो नहीं होंगे तो वो भी एनॉर्मस नंबर के अंदर ग्रो कर जाएंगे। द फॉलोइंग इज एन एंटीकोड पॉपुलेटिव नैरेटिव टू डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट ए ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप व्हेन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा जो वो ग्रो कर जाएगी पॉपुलेशन। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि किंग होता है और एक मिनिस्टर होता है, तो कैसे फूल बनाता है मिनिस्टर। किंग कहता है कि हम जो है वो चेस का गेम खेलेंगे और आप कोई भी बैट लगा लीजिए क्योंकि मुझे पता है मैं जीतूंगा, तो जो भी आपकी बैट लगाओगे वो मैं आपको फुलफिल कर दूंगा। तो यहाँ पे मिनिस्टर कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो स्क्वेयर वन है, आपको पता है चेस के अंदर टोटल इस टाइप से जो होते हैं वो स्क्वेयर बने होते हैं और ये टोटल होते हैं 64। तो वो कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है उसके अंदर एक वीट ग्रेन डाल दीजिएगा, फिर उसके मल्टीपल में डालते जाइएगा, उसका नंबर डबल करता जाइए, सेकंड वाले में 2 डाल दीजिएगा, फिर थर्ड वाले में 4 डाल दीजिएगा, फिर 8 डाल दीजिएगा, फिर 16 डाल दीजिएगा, फिर 32 डाल दीजिएगा, एंड सो ऑन, इस टाइप से उसको डबल करते जाइएगा। अब जो है किंग सोचता है कि क्या बेवकूफ़ सी बात की है इसने कि वीट का 1, 2, 4 ऐसे डालना है, तो ये तो बहुत आसान सी है। अल्टीमेटली जो चेस का गेम होता है वो मिनिस्ट्री डाल देता है, तो फिर किंग कहता है चलो ठीक है आपकी जो बैट थी वो मैं हार गया, चलो ठीक है, सिंगल ग्रेन से स्टार्ट करता है और फिर वो स्क्वायर में डालता जाता है और फिर उसको ये लगाता है, किंग रियलाइज करता है कि हिज डिसमे दैट ऑल द वीट प्रोड्यूस इन एंटायर किंगडम पुल्ड टुगेदर वुड स्टिल द इन एडिक्वेट टू कवर ऑल द 64 स्क्वायर। या ये इस स्टोरी से ये बताने की कोशिश की है कि अगर पॉपुलेशन ऐसे डबल होती रहे, यानी एक है उसने एक और ग्रो किया है उस टाइप से, फिर 2 हो गए, फिर यहाँ पे वापस से जैसे सेल डिवाइड होता है उस टाइप से अगर यहाँ पे ग्रोथ होती रही तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखता है कि पूरे उसके एंटायर किंगडम के अंदर जो वीट है वो भी अगर वो डाल दे तो भी वो 64 जो स्क्वायर हैं वो पूरे नहीं भर पाएंगे। इसी टाइप से बोला गया कि अगर पैरामीशियम जो है वो डिवाइड करने लगे 1 से 2 इंडिविजुअल और 2 से 4 करने लगे, तो आप सोचिए कि वो 64 डेज में कहाँ पहुँच जाएगा। अगर इफ यहाँ पे ये आता है कि उसके पास जो है वो फूड और स्पेस अगर वो अनलिमिटेड हो तब, क्लियर है। तो इस टाइप से बताया गया है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी ज्यादा हो सकती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। लॉजिस्टिक होता है जो लॉजिकल आप ये बोल सकते हो कि ग्रोथ होती है, कि कोई भी जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकती है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है, देखिए, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कोई भी ऐसी स्पीज नहीं है जिसके लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही रहते हैं और वो कम होते जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती है प्रैक्टिकली। दिस लीड्स टू द कंपिटिशन, उसके बाद में क्या आएगा, कंपिटिशन हो जाएगा, क्योंकि सेम स्पीसीज रिसोर्सेज जो लिमिटेड है तो कंपिटिशन होने लगेगा बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्स। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो अब उसमें जो जितना ज्यादा फिट रहेगा, जो जितना ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, वो आगे सर्वाइव करके और रिप्रोड्यूस कर लेगा। द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट विद ए व्यू ऑफ टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आपने भी देखा होगा कि जैसे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी उसको एडोप्ट किया था काफ़ी साल तक, उसके बाद में उसको बढ़ाकर 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया था। तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ग्रो ना हो जाए। तो इस टाइप से इन नेचर में क्या होता है, वहाँ पर तो कुछ ऐसी गवर्नमेंट है नहीं। ए गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। यानी एक जो नेचर के अंदर अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक है हमारा हैबिटेट है, क्लियर है, उसके पास में इतने ही रिसोर्सेज हैं जो कि वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो है उनको वो सपोर्ट कर पाए, ग्रो कर पाए, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। तो उसके बाद में वहाँ पे जो है फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे और जो स्पीसीज है जो उसको कंज्यूम करने वाली है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर लाइन आती है जो उस नेचर की कैरिंग कैपेसिटी, यानी वो उतनी ही पॉपुलेशन को कैरी कर पाती है, तो उसको बोलते हैं, लेट अस कॉल दिस लिमिट, नेचर की लिमिट को क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से फॉर दैट स्पीसीज इन दैट हैबिटेट। तो यहाँ पर अब आप डायग्राम देख सकते हो, ये वाला डायग्राम हमने बात की थी,
या रेड कलर में कौन सा था हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ये वाला जो था वो कौन सा था ब्लू कलर में, व्हेन रिस्पांस आर लिमिटिंग द ग्रोथ फ्लोट इज लॉजिस्टिक, और के यहाँ पे क्या है कैरिंग कैपेसिटी। ये अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखोगे जो लॉजिस्टिक ग्रोथ ऐसी होती है कि जितनी कैरिंग कैपेसिटी होती है नेचर की वो उसके आसपास जाके जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं करती है। बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो एक बार तो होती है बट उसके बाद में वो वापस यहाँ पर उसी स्टेज पर आ जाती है क्योंकि वो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा चली गई है। इसलिए क्लियर है ये पॉइंट, यहाँ पे आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ चुका होगा और इसी के बारे में बात भी कही है। अब आगे देखिए, ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स शो इनिशियली लैग फेज। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है 2017 के अंदर। अब वहां पे देखिए, ये हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक डायग्राम आता है इस टाइप का, उसके अंदर आता है लैग फेज लॉग फेज, क्लियर है, और सिग्मोइड ग्राफ दिया होता है। तो वहां से 2017 में क्वेश्चन आया था और आपको ये भी बोल सकते हो कि यहाँ से भी वो लाइन यहाँ पर भी सेम टाइप से लिखी हुई है, फॉलोड बाय द फेज ऑफ एक्सेलरेशन, उसके बाद में एक एक्सेलरेशन फेज आता है। देखिए यहाँ पे ये लेग फेज जिसको लॉग फेज बोलते हैं, फिर एक्सेलरेशन और फिर यहाँ पे डीलेशन, उसके बाद में क्या होता है एकदम से वो नीचे आता है, ऐसे जाता है और फिर एकदम नीचे आता है और फिर ऐसे कैरिंग कैपेसिटी पे चलता है, तो इसको बोलते हैं डीसेलरेशन। एंड फाइनली एन एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट इसको बोलते हैं जब वो बिल्कुल कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ चलने लगता है। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी ए प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी रिजल्ट इन ए सिग्मोइड कर्व, तो वो किस टाइप का बनता है सिग्मोइड कर्व, यानी एस टाइप का, यहाँ पे आपको सामने दिखाई देगा इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व इस टाइप से, क्लियर है, ओके इसी की बात की गई है। अब आगे देखते हैं उसमें क्या लिखा गया सिग्मोइड कर्व के आगे। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्हल्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2016 और 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। कब कब आ चुका है, AIPMT 2011 और 2016 में, तो ये भी याद रखना होगा। इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, वर्हल्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं, एज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और इसकी ये इक्वेशन भी बोला गया, dn ओवर dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन में के, और ये n क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t है, r इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आप समझते हो बर्थ माइनस डेथ रेट उसको बोलते हैं, और यहाँ पर k क्या है कैरिंग कैपेसिटी है। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ये इक्वेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ की थी। अब आगे लिखा है, सिंस द रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटेड सूनर और लेटर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर मोर रियलिस्टिक, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का मॉडल जो होता है वो ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देता है। अब देखते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में, पॉपुलेशन इवोल्व टू मैक्सिमम देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो पॉपुलेशन होती है वो इवोल्व होती है कहाँ तक होती है, वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस उसकी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस आती है तब तक वो इवोल्व होती रहती है, ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस, उसको हम डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हैं, और डार्विन फिटनेस के अंदर आपकी जो आर वैल्यू होती है वो सबसे हाई होती है, क्यों, क्योंकि बर्थ सबसे ज़्यादा होती है डेथ का सबसे कम होती है, तो वहाँ पे आर वैल्यू निकल के क्या आएगी सबसे हाई आएगी, तो यहाँ पे डार्विन जो फिटनेस आ जाती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस उसमें आर वैल्यू सबसे हाई होगी, आपको याद रखना होगा। इस टाइप से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया नहीं है। इन द हैबिटेट इन विच दे लिव अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवोल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ब्रीड करते हैं, उनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल है, पैसिफिक सालमोन फिश, तो पैसिफिक सालमोन फिश होती है वो केवल एक बार ब्रीड करती है, और एक है बैम्बू। अब बैम्बू एक बार क्वेश्चन आ चुका है बट वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सबसे फर्स्ट जो चैप्टर था क्लास 12th का वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। वाइल अदर ब्रीड मैनी टाइम, अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मैनी टाइम ब्रीड करते हैं, मोस्टली बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, सम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, ऐसे होते हैं कि वो बहुत नंबर उनके बहुत सारे होते हैं बट जो ऑफस्प्रिंग होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑयस्टर हो गया, पेलाजिक फिशिज हो गई, इन सब में। वाइल अदर प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, उनमें नंबर काफ़ी कम होते हैं बट जो ऑफस्प्रिंग का साइज होता है वो बड़ा होता है, जैसे बर्ड्स हो गए मैमल्स हो गए इनके अंदर। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमम फिटनेस, इकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं इस बारे में कि कौन सा ज्यादा फिटनेस होगा। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय द एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव। अब चाहे वो स्मॉल साइज हो चाहे लार्ज साइज हो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है उनके साथ में उनका रिलेशन कैसा है जहाँ पे वो रह रहे हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि वो कितने ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेड इन डिफरेंट स्पीसीज करंटली एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट, तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री जो है ट्रेड्स की वो भी एक काफ़ी अच्छा रिसर्च हो सकता है उसके अंदर भी जहाँ पे इकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में। अब आपको भी पता है कि जो ये पूरी अर्थ है वहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज जो है वो सिंगल हैबिटेट के अंदर कभी भी नहीं रह सकती है। कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं है जहाँ पर केवल सिंगल जो है वो स्पीसीज रहती हो। ये इनकन्वेंसिबल है, यानी ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी एक स्पीसीज है तो वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, वन और मोर स्पीसीज टू विच इट कैन फीड, यानी जिसके ऊपर वो फीड कर पाएगी या जिसके ऊपर वो सर्वाइव कर पाएगी, तो एक और स्पीसीज यहाँ पे होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम केवल प्लांट स्पीसीज का भी एग्जांपल ले लो, अब आप कहोगे प्लांट तो ऑटोट्रोप होता है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, वो अकेला ग्रो कर सकता है? नहीं। विच मेक इट्स ऑन फूड कैन नॉट सर्वाइव एलोन, वो भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स, तो वहाँ पे उसको सॉइल के अंदर माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि उसको ब्रेक डाउन करके देंगे ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल एंड रिटर्न इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन, ताकि वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर पाए। एंड द हाउ विल द प्लांट मैनेज पोलिनेशन विदाउट ए एनिमल, अब पोलिनेशन अगर करना है और वहाँ पे एनिमल पोलिनेशन होगा तो भी वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इट ऑब्वियस इन नेचर एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लाइव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब यहाँ पे इंटरेक्शन होगी एक से ज्यादा स्पीसीज के साथ में। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मेनी इंटरेक्शन लिंकेज एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रियली अपेरेंट। अब आगे देखते हैं उसके बाद में। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ से जो पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से नीट 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो टेबल दी गई है इस टेबल से आपका 2015 में आ चुका है, 16 में आ चुका है, और नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, क्लियर है? इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन आ चुका है, टेबल से भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन अराइज फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज में इंट्रैक्शन होगा, जैसे स्पीसीज ए हो गई और स्पीसीज बी हो गई। दे कुड बी बेनिफिशियल, यानी बेनिफिशियल के लिए हो सकता है कि पॉजिटिव साइन हो, यानी एक को बेनिफिट अगर होगा। एक है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है माइनस, यानी उसको लॉस होगा उस स्पीसीज को, और न्यूट्रल का मतलब है उसको ना वहाँ पे कोई बेनिफिट होगा ना ही वहाँ पे कोई लॉस होगा, क्लियर है? नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। टू वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द बोस, अब असाइनिंग साइन किए गए हैं, असाइनिंग है पॉजिटिव साइन किसके लिए बोला गया है, बेनिफिशियल इंट्रैक्शन के लिए, माइनस साइन किसके लिए बोला गया है, डिट्रीमेंटल के लिए, और जीरो साइन किसके लिए बोला गया है, न्यूट्रल इंट्रैक्शन के लिए बोला गया है। लेट अस लुक एट ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन, अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, टेबल से 2015 में, 16 में और 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। अब मान लो दो स्पीसीज इंट्रैक्शन करती है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। दोनों स्पीसीज है दोनों को लॉस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंपटीशन, जैसे एग्जाम में कंपटीशन हो रहा है तो जो आपके बेस्ट फ्रेंड भी है वो भी वही सीट चाहता है, आप भी वही सीट चाहते हो, तो दोनों को क्या होता है, लॉस होता है, प्रेशर बनता है आपके दिमाग के ऊपर, और अगर एक को मिल गई एक को नहीं मिली तो फिर वही बात होती है। एक होता है यहाँ पे प्रीडिशन, प्रीडिशन में क्या होता है, एक पॉजिटिव साइन होगा एक न्यूट्रल, मतलब एक को तो है वो क्या होगा, बेनिफिट होगा, और एक को लॉस हो जाएगा। और ऐसे ही पैरासिटिज्म है, पैरासिटिज्म में यहाँ पे होस्ट को क्या होता है, लॉस्ट होता है, और जो पैरासाइट होता है उसको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉमन सेलिज्म में एक पॉजिटिव रहता है एक न्यूट्रल रहता है, और एमन सेलिज्म में एक नेगेटिव रहता है, यानी एक को हार्म होता है और एक न्यूट्रल रहता है। इनके बारे में डिटेल में हम आगे भी पढ़ते जाएंगे। अब देखिए बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में हमने देखा था दोनों को जो है वो बेनिफिट हो रहा है, बोथ लॉस इन कंपटीशन, दोनों को कंपटीशन में लॉस हो रहा है, बिल्कुल पढ़ा था। इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर इन बोथ पैरासाइट एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट, अब पैरासाइटिज्म के अंदर कौन सा होता है, जो पैरासाइट होता है उसको बेनिफिट होता है, प्रीडेशन के अंदर जो प्रीडेटर होता है उसको क्या होता है, बेनिफिट होता है जब इंटरेक्शन कर रहे हैं। बट जो आपका होस्ट होता है, पैरासाइट में क्या होगा, होस्ट होगा जिससे वो फूड लेगा, उसके लिए डिटर्मिनेंटल यानी उसके लिए वो नेगेटिव साइन है, और जो प्रीडेटर जो प्रे है, ठीक है, जिस प्रे को खा चुके हैं, जिसको प्रीडेटर खाएगा, तो वो प्रे क्या हो गया, उसका तो नुकसान हो गया, उसकी जान चली जाएगी, तो इस टाइप से तो यहां पर इन दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। द इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, उसको बोलते हैं कॉमन सेलिज्म, एमन सेलिज्म बोलते हैं। अदर हैंड द वन स्पीसीज इज हार्म्ड वेयर इज द अदर इज अनअफेक्टेड, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके प्रीडेशन से स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीडेशन पैरासिटिज्म एंड कॉमन सेलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंट्रैक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। तो यहाँ पर एक कॉमन कैरेक्टर क्या है कि यहाँ पर जो स्पीसीज रहती है इंट्रैक्ट करती है वो क्लोजली रहती है, एक दूसरे के आसपास ही रहती है, किसके अंदर, प्रीडेशन पैरासिटिज्म और कॉमन सेलिज्म के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एमन सेलिज्म वाला है इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, जो माइक्रोब्स है जो डिजीज कोज कर रहा है उसके लिए तो हार्म्ड होती है, बट ह्यूमन के लिए क्या होता है, अनएफेक्टेड होता है, क्लियर है? और यहाँ से AIPMT 2012 में और नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है एमन सेलिज्म वाले पोर्शन से, क्लियर है? अब हम बात करेंगे प्रीडेशन के बारे में। प्रीडेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल्स टू ईट द प्लांट्स। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड एनर्जी है जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है,
अगर यहाँ पर अदर एनिमल्स नहीं होंगे जो उनको ईट कर पाए, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, आगे देखिए, यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्लांट्स। यानी सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है, प्रीडेशन के अंदर जो प्लांट्स जो एनर्जी को फिक्स करते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से होता हुआ जो हायर ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है उन तक वो एनर्जी पहुंचती है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी। When we think of predator and prey, most probably it is a tiger and deer. तो जब हम predator के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला example आता है tiger and deer का। But आपको यहाँ पर ये भी बता दें that really come to our mind, but a sparrow eating any seed, यानी एक sparrow, एक चिड़िया जो होती है वो भी, अब अगर आप ये बोल लीजिए कि अगर एक सीड जो है उसको ईट कर रही है तो वो नो लेस देन ए प्रीडेटर। यहाँ पर ये जो आपकी एक स्पैरो है वो भी क्या होगी, एक प्रीडेटर होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये सीड जो था वो किस में कन्वर्ट होता, प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट होता, बट इसने इसको ईट कर लिया तो यहाँ पे ये प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप से ये बोल सकते हो कि जो एक स्पैरो होती है वो भी आप यूँ मान सकते हो कि एक प्रीडेटर कहला सकती है। ऑल दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज सेपरेटली एज हर्बीवर्स, पर हम ये बोलते हैं कि जो भी एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवर्स बोलते हैं। दे आर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर। अगर हम एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट इसका ले इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बोल सकते हैं कि जो हर्बीवर्स होते हैं वो भी एक तरह से प्रीडेटर होते हैं। क्लियर है? तो यहां से आपका 2020 में क्वेश्चन आ चुका है इस पैराग्राफ से। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमें पता चल चुका है कि जो प्रीडेटर होते हैं वो क्या काम करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। लिखा जाएगा, देखिए, बिसाइड एक्टिंग एज कंडक्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिकल लेवल, प्रीडेटर प्ले अनदर इंपॉर्टेंट रोल्स। अब और भी बहुत सारे रोल इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जहाँ से 2022 में क्वेश्चंस आए थे अलग अलग लाइन से। पहला क्या काम करते हैं, देखिए, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। यहाँ से आ चुका है 2022 में कि यहाँ पे जो प्रे की पॉपुलेशन होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। बट फॉर प्रीडेटर्स प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कोज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी। अगर प्रीडेटर नहीं होंगे तो प्री स्पीसीज क्या करेंगी, बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी और वहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो स्टेबल कौन रखता है इकोसिस्टम, प्रीडेटर काफ़ी हेल्प करता है इसके अंदर। आगे देखते हैं, व्हेन सर्टेन एग्जोस्टिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इनटू ए जियोग्राफिकल एरिया, यानी यहाँ से बाहर से कोई स्पीसीज लाकर एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर देख दिया जाए, दे बिकम इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव एनी नेचुरल प्रीडेटर। तो अगर एक हैबिटेट से बाहर की कोई स्पीसीज आ जाए तो उसका कोई प्रीडेटर नहीं होगा तो वो वहाँ पर बहुत फास्टली क्या करेगी, ग्रो करेगी। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए, द प्रिकली पियर कैक्टस, जो प्रिकली पियर कैक्टस होता है, इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s। तो 1920s के अंदर पियर कैक्टस जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, कॉज्ड हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेनलैंड। तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये बहुत सारी जो है वो लैंड के अंदर स्प्रेड हो गए। फाइनली द इन्वेजिव कैक्टस वॉज ब्रॉड अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर ए कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर ए मोथ। तो अब उसको कैसे कंट्रोल किया गया, जो कैक्टस था पियर कैक्टस उसको कैसे कंट्रोल किया गया, तो वहाँ पर एक मोथ लाया गया जो कि क्या करता था, कैक्टस के ऊपर फीड करता था, उस टाइप का एक प्रीडेटर था, उसको लाके और यहाँ पर ये जो प्री कैक्टस था उसको कंट्रोल किया गया। फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रीडेटर जो होता है वो क्या करता है, जो इंस्टेबिलिटी होती है इकोसिस्टम के अंदर उसको नहीं होने देता है, और जो प्रे की स्पीसीज होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे क्या लिखा इन्होंने, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्ट इन एग्रीकल्चर। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे, वहाँ पर हमने ये देखा था बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स ऑफ। तो यहाँ पर देखिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या होते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर अडॉप्ट किए जाते हैं जो कि पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू द प्रीडेटर। और ये किसकी एबिलिटी पे जो बेस्ड होती है, वो प्रीडेटर की एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। क्लियर है? टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन, प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन, अब यहाँ से भी 2022 में लाइन आई थी, देखिए, प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। यानी एक कम्युनिटी के अंदर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प कौन कर सकता है, आपका प्रीडेटर करता है। अब कैसे करता है, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमोंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। जो प्रे स्पीसीज होती है उनके बीच में कंपटीशन को कम करके जो है वो प्रीडेटर क्या करता है, वहाँ पे उन प्रे स्पीसीज को रेगुलेट करता है पॉपुलेशन को। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। आगे लिखा है, इन द रॉकी इंटरडाइल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश
पिस एस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया गया है इस टाइप से, इन ए फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम एन इनक्लोज्ड इंटरडाइल एरिया मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए ईयर। अब यहाँ पे ये कैसे बताया गया कि वो जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है उसको कम करके वो कैसे करता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया कि एक स्टारफिश थी पिसेस्टर, वहां पर वो क्या कर रही थी, एक प्रीडेटर का काम कर रही थी। जैसे ही वहां से एक पर्टिकुलर एरिया, वहां से उस प्रीडेटर जो स्टारफिश थी उसको बाहर निकाल लिया गया, तो उसके बाद में क्या देखा गया कुछ टाइम के बाद में कि जो अलग अलग 10 स्पीसीज थी वो भी वहां पे इनवर्टिब्रेट्स की एक्सटेंट हो गई विद इन ए ईयर के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाले प्रीडेटर जो थे वो वहां से रिमूव कर दिए गए थे। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो कि जो प्रीडेटर होता है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी प्रे के अंदर कम करता है और उस टाइप से उनको मेंटेन करता है। क्लियर है? ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ से भी 2022 में क्वेश्चन आया था, इफ ए प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड प्रे, अगर यहाँ पे प्रीडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा और वो प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर देगा, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट। तो वहां पे हो सकता है क्या कि जो प्रे है वो एक्सटिंक्ट हो जाए और उसके बाद में क्या हो सकता है, द प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर द लेक ऑफ फूड। तो फिर क्या होगा, क्योंकि प्रीडेटर को फूड नहीं मिलेगा तो प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अगर प्रीडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लेता है प्रे का, तो यहाँ पे प्रीडेटर और प्रे दोनों क्या हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद में एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। This is the reason why predator is nature or prudent. तो इसी वजह से जो predator का nature होता है वो हमेशा prudent होता है। Prudent का मतलब क्या होता है, बहुत ही good judgment होती है उसकी। वो ये भी ध्यान रखता है कि सभी prey जो है वो extinct ना हो जाए और उसको regularly खाना मिलता भी रहे। तो वो naturally जो होता है उसकी बहुत अच्छी judgment होती है, उसको पता है कि अगर मुझे living रहना है तो इन में सभी जीवों को मैं जल्दी से नहीं exploit कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं prudent। अगर लिखा है प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंस, अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रे की। अब देखिए प्रीडेटर का काम तो यही है कि वो प्रे की स्पीसीज को ख़त्म कर दे, उनको फीड कर ले, पर यहाँ पे बचेंगे कैसे प्रे, वो बहुत सारे मैकेनिज्म को इवॉल्व करते हैं, चाहे वो एनिमल्स की बात करें चाहे वो प्लांट्स की बात करें, तो उनके बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेज टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन, जो प्रीडेशन का इम्पैक्ट है उसको काफ़ी कम करने की कोशिश की जाती है प्रे के द्वारा। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, दैट इज कैमोफ्लेक। तो जो कुछ एक स्पीसीज इंसेक्ट और फ्रॉग की क्या करती है, कैमोफ्लेक कर लेती है। कैमोफ्लेक का मतलब कैसा, जैसा पीछे का नेचर है उसी टाइप का अपना कलर कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अवॉइड बींग डिटेक्टेड ईजिली। तो वो जल्दी से प्रीडेटर को दिखाई नहीं देता, वो सोचता है ये नेचर का ही पार्ट है, और उस टाइप से जो है वो इंसेक्ट और फ्रॉग की स्पीसीज बच जाती है क्या करके, कैमोफ्लेक करके। इसके अलावा और कौन से मैकेनिज्म हो सकते हैं, सम आर पॉइजनस एंड देयर बोर अवॉइडेड, कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो पॉइजनस होती है, इसके लिए प्रीडेटर उन पर अटैक कर नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोनार्च बटरफ्लाई। अब यहाँ पे एक मोनार्च बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया गया, ये हाईली डिसटेस्टफुल होती है, यानी इसको कोई टेस्ट भी नहीं करना चाहता, इतनी ज़्यादा गंदा इसमें से केमिकल जो होता है वो उस टाइप का रिलीज होता है। इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर, जो बर्ड होता है वो मोनार्च बटरफ्लाई को खा सकता है, तो उसलिए क्या होता है, बिकॉज ऑफ ए स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग इन पॉइजनस वीड। तो एक पॉइजनस वीड को खाती है कैटरपिलर, जब वो बटरफ्लाई बन रही होती है वो केमिकल इसकी बॉडी में चला जाता है, उसकी वजह से वो डिस्टेस्टफुल हो जाती है, यानी उसको टेस्ट कोई भी नहीं करना चाहता है बर्ड, और इस टाइप से जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो बच जाती है अपने प्रीडेटर से। क्लियर है? ओके, तो ये बात कर ली हमने एनिमल्स की, अब बात करते हैं प्लांट्स की। देखिए एनिमल्स तो वहाँ से चले भी जा सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, बट प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। फॉर प्लांट्स हर्बीवोरस आर द प्रीडेटर, तो अब हम बात कर चुके हैं कि प्लांट्स के लिए हर्बीवोरस वो एक तरह से क्या होते हैं, प्रीडेटर्स हो सकते हैं। अब देखिए नियरली 25% ऑफ ऑल द इंसेक्ट आर नोन एज द फाइटोफेगस, तो जो टोटल इंसेक्ट है उसमें से 25% यानी 1/4 जो इंसेक्ट होते हैं वो फाइटोफेगस होते हैं। फाइटोफेगस का क्या मतलब होता है, वो फीड करते हैं प्लांट सेप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी वो केवल प्लांट के ऊपर ही फीड करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है प्लांट्स को, द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सर्व फॉर प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर, तो वो अपने प्रीडेटर से बाहर नहीं जा सकते हैं, वहाँ से छोड़कर भाग नहीं सकते हैं, तो अलग अलग मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई करेंगे। कैसे मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे वो उसकी बात करते हैं। प्लांट्स therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense, तो कुछ morphological और कुछ chemical defense mechanism जो हैं वो evolve किए जाते हैं herbivorous के लिए। अब एक इसमें example आता है कौन सा, morphological का, जैसे thorn।
थॉर्न हो गए, जैसे अकेशिया के अंदर और कैक्टस के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम थॉर्न मोर डिटेल में पढ़ते हैं और वहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए इन सब के, आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। तो ये सबसे ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल है क्योंकि प्लांट्स ने कुछ मॉर्फोलॉजी यानी कुछ स्ट्रक्चर के अंदर चेंज किया है। मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोरस सिक। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ ऐसे केमिकल बनाते हैं जिसकी वजह से जो हर्बीवोरस होते हैं वो सिक हो सकते हैं, इसलिए वो उसको ईट ही नहीं करेंगे। दे आर ईटन, इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। और इस टाइप के भी जो है वो केमिकल्स हो सकते हैं कि वो हर्बीवोरस को किल भी कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस। एक कैलोट्रोपिस प्लांट होता है, ग्रोइंग एब्डोनड फील्ड्स द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड दैट इज वाई यू नेवर सीन एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग दिस प्लांट। तो ये जो कैलोट्रोपिस होता है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड को रिलीज करता है जो कि काफ़ी पॉइजनस होता है, उस वजह से कोई भी आपको कैटल या गोट जो होते हैं वो कैलोट्रोपिस को फीड करती हुई नहीं दिखाई देगी। तो ये भी क्या है, एक मैकेनिज्म है अपने प्रीडेटर से बचने का। ए वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल्स सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन ए कमर्शियल स्टेक लाइक निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्विनिन हो गया, स्ट्राइनिन हो गया, ओपियम हो गया, आर प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज द डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर और ब्राउजर। अब ये जो भी कमर्शियल प्लांट्स में ये जो आपको केमिकल्स दिखाई दे रहे हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइनिन, ओपियम वगैरह, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है क्लास 11th के अंदर, चैप्टर नंबर जो 9 है बायोमोलिक्यूल का, वहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। और नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका था कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय देम प्लांट्स एक्चुअली एज डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये जो प्लांट्स इनको प्रोड्यूस करते हैं वो एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज करते हैं अगेंस्ट द ग्रेजर एंड ब्राउजर के लिए। क्लियर है, तो ये सब कुछ था प्रीडेटर के बारे में। अब जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन के अंदर क्या हो रहा था, जो दोनों स्पीसीज थी वो डिटर्मिनेंटल में जा रही थी, यानी दोनों की क्या हो रहा था, हार्म हो रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। व्हेन डार्विन स्पोक टू द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर ही वाज कन्विंस्ड दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज ए पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यानी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है, दोनों सेम स्पीसीज होगी, अगर सेम स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए जो है वो क्या करेगी, उसी को यूज करेगी, तो वहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगी। यानी सेम ही स्पीसीज के अंदर कंपटीशन जिसको होता है इन बिटवीन द स्पीसीज, तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। यानी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो सेम रिसोर्सेज के लिए जब कंपीट करेगी तो उसको बोलते हैं दैट आर लिमिटिंग, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आसपास की स्पीसीज जो वो सेम रिसोर्सेज के लिए सप्लाई करें तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। फर्स्टली टोटल अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो भी कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। ऐसा भी हो सकता है कि जो अनरिलेटेड स्पीसीज है वो भी यहाँ पर एक रिसोर्सेज के लिए जो है वो क्या कर सकती है, कंपटीशन कर सकती है। एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर इंस्टेंस इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, जो कुछ साउथ अमेरिकन के अंदर शैलो लेक्स हैं वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ फ्लेमिंगोज विजिट करते हैं उनमें, और वहाँ पे जो स्पीसीज रह रही होते हैं उन दोनों के अंदर कंपटीशन होता है। किसके लिए कंपटीशन होता है, फॉर देयर कॉमन फूड जू प्लैंकटन। यानी जो वहाँ पे फ्लेमिंग हो गया उसको भी जू प्लैंकटन को ईट करना है और वहाँ पे जो फीसीज रह रही है उसको भी जू प्लैंकटन को ईट करना है। तो फ्लेमिंगो और फीसीज बहुत ही अलग अलग स्पीसीज है, उनके बीच में भी कंपटीशन हो रहा है सेम रिसोर्सेज के लिए। तो ये कह देना कि भैया सेम स्पीसीज के लिए जो आसपास की सेम स्पीसीज होती हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है। सेकेंडली रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग। ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसोर्स है वो लिमिटिंग में नहीं हो, अनलिमिटेड हो, फॉर द कंपटीशन टू अकर इन इंटरफेयर कंपटीशन। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे रिसोर्स की कमी नहीं है, बस ऐसा हुआ है कि जो स्पीसीज आई है वो ऐसा इंटरफेयर कर रही है जिसकी वजह से दूसरी जो स्पीसीज है उसकी जो फूड हैबिट है वो चेंज हो चुकी है। इंटरफेयरिंग इन इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेज और स्पेस इज एबंडेंट। चाहे वो रिसोर्सेज कितना भी ज़्यादा हो, अगर वो दूसरी स्पीसीज आई है, मान लीजिए एक स्पीसीज है और 20 स्पीसीज है, दोनों सेम के लिए यूज करिए, बहुत सारा फूड है, बट अगर ये ज़्यादा डोमिनेंट है तो यहाँ पर बी जो है वो ज़्यादा सर्वाइव इतना कर्म नहीं पाएगी क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो इस टाइप से भी इनके बीच में कंपटीशन हो सकता है चाहे फूड कितना भी ज़्यादा हो। देयरफॉर कंपटीशन अ बेस्ट डेफिनेशन कंपटीशन की क्या हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है, देखिए, डिफाइंड एज ए प्रोसेस
इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज मेजर इन द टर्म्स ऑफ आर वैल्यू, आर हम बात कर चुके हैं बर्थ माइनस डेथ, जिसकी आर वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो जिसकी यहाँ पर फिटनेस ज़्यादा होती है, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, इट इज़ कॉल्ड द कंपटीशन। अब कंपटीशन का मतलब है कि पहले उसकी आर वैल्यू ज़्यादा थी, जब कंपटीशन के अगर किसी की आर वैल्यू घटने लग जाए तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। तो इस टाइप से इन्होंने ये बोला है, क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे देखते हैं, देखिए, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज गोज एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड फॉर द कंपेटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीसीज। तो इन्होंने कहा कि अगर हमने एक स्पेसिफिक उनको लिमिटेड रिसोर्स दिए और दो स्पीसीज को रखा, तो जो सुपीरियर स्पीसीज थी उसने इवेंचुअली क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया अदर स्पीसीज को, जो इन्फीरियर स्पीसीज थी वो एलिमिनेट हो गई, किसकी वजह से, कंपटीशन की वजह से। बट एविडेंस फॉर सच कंपटीशन एक्सक्लूजन अकर्स इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव, पर नेचर में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो इन्फीरियर स्पीसीज को जो है वो एलिमिनेट कर देगी। स्ट्रॉन्ग एंड परसिसिव सर्कमस्टांशियल एविडेंस डज नॉट एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेज, द एबिंगडन टोर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटेंट विद इन ए डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड। तो अब हुआ क्या कि एक आइलैंड था, वहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस थी, तो वहाँ पे जो एबिंगडन टोर्टोइज थे उस आइलैंड के ऊपर वो एक्सटेंट हो गए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर गोट आ चुकी थी और गोट ने क्या किया वहाँ पे उसका, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी जल्दी फीड करती है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे टोर्टोइज, तो वहाँ पर गोट ने जल्दी जल्दी क्या कर लिया, वहाँ पे सारा फूड जो था वो कंज्यूम कर लिया, इस वजह से टोर्टोइज सामने आने लग गए और उस वजह से वो एलिमिनेट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। Apparently due to the greater browsing efficiency of the goat, क्यों, क्योंकि यहाँ पे goat की जो efficiency थी वो ज़्यादा थी। तो इस टाइप से ये कह देना कि superior जो species है वो eliminate कर देगी other species को, यहाँ पर ये चीज़ें हर बार true नहीं होती है। Another evidence, उस टाइप का और another evidence निकल के आता है, क्या, the occurrence of competition in nature becomes for what is called competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area become of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. यानी हम बोल रहे हैं ए स्पीसीज और बी स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज है, हम बोल रहे हैं कि ए स्पीसीज यहीं तक जो है वो रहती है, क्यों, क्योंकि बी स्पीसीज कंपीट कर रही है इसके साथ में और ये ज़्यादा सुपीरियर है, पर अगर हम जैसे ही इस बी स्पीसीज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस एरिया, तो जो ए स्पीसीज पहले यहाँ तक थी, इस पॉइंट तक थी, वन पॉइंट तक थी, तो वहाँ पर वो अब क्या करेगी, ज़्यादा दूर एरिया के अंदर फैल जाएगी ए स्पीसीज, यानी इस टू एरिया तक चली जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका जो कंपटीशन था उसको हमने बाहर निकाल दिया है, बी स्पीसीज को उस एरिया से बाहर निकाल दिया है, इस टाइप से, क्लियर है। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज, जो सुपीरियर स्पीसीज थी उसको बाहर निकाल दिया गया। ड्रामेटिक व्हेन द कंपीटिंग स्पीसीज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्ज एंड कंपेटिटिवली सुपीरियर बार्निकल, सुपीरियर बार्निकल का नाम है बेलेनस, डोमिनेंट द इंटरडाइल एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल चैथलमस। जो चैथलमस जो आपके यहाँ पर बार्निकल थे स्मॉल वाले, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर वहाँ पे सुपीरियर बार्निकल आ गए। इन जनरल हर्बीवोरस एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन द कार्निवोरस। अब हम बात करते हैं गोज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AIPMT 2002 में और AIPMT नीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है गोज का कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब देखिए, गोज कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट द टू क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड द कंपिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेट इवेंचुअली। ये कह रहा है कि अगर दो स्पीसीज है ए और बी स्पीसीज और एक स्पीसीज ज़्यादा डोमिनेट है, तो वो इवेंचुअली क्या करेगी, सेम रिसोर्सेज के अगर लिए अगर वो लड़ाई कर रहे हैं, तो जो सुपीरियर स्पीसीज है वो एलिमिनेट कर देगी इवेंचुअली दूसरी स्पीसीज को। तो यहाँ पर ये स्पीसीज नहीं रहेगी, केवल जो सुपीरियर स्पीसीज थी वही रहेगी कंपटीशन के अंदर। ये गोज कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये स्टेटमेंट देता है और यहाँ से AIPMT 2002 और 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। बट ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, इन्होंने बोल दिया तो भैया ये बिल्कुल सही होगा। देखिए, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्स आर लिमिटिंग, हो सकता है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग है तो ये हो सके, बट नॉट अदरवाइज, पर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है।
मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रोस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन। तो जब अब जो स्टडी हुई है वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये नहीं कहती कि हमेशा ऐसा होता है। वेल दे डू नॉट रोल आउट द अकरेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नेचर, दे पॉइंट आउट दैट स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रेदर देन एक्सक्लूजन। तो अब जो स्पीसीज होती है वो कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म इवॉल्व कर सकती है जिसकी वजह से वो को एग्जिस्ट कर पाए। और यहाँ से जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ से AIPMT सर नीट 2019 और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान से समझना क्या बता रहे हैं। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो यहाँ पर अगर दो स्पीसीज को एग्जिस्ट करना है, उनको एक्सक्लूजन नहीं करना है, तो वो कुछ मैकेनिज्म जो होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें से एक आता है रिसोर्स पार्टीशनिंग का, मतलब रिसोर्स को पार्टीशन में डिवाइड कर लो और उसके हिसाब से कंज्यूम कर लो। इफ़ टू स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरगिंग पैटर्न। यानी वो अलग अलग पैटर्न या तो कंज्यूम कर ले या तो यूज़ कर ले, या फिर क्या हो जाएगा वो अलग यहाँ पर जो है वो टाइम यूज़ कर ले। मतलब एक सुबह को यहाँ पे फीड करेगा, शाम को फीड करेगा, या फिर एक क्या करेगा, एक जो स्पीसीज है वो स्मॉल एनिमल्स को फीड करेगी और एक जो होगी वो लार्ज एनिमल्स को फीड करेगी। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, एक स्मॉल एनिमल को फीड करेगी और एक लार्ज एनिमल को फीड करेगी। तो इस टाइप से रिसोर्स तो उनका सेम है, बट वहाँ पर वो कंपिटिशन को क्या कर देंगे, यहाँ पर रिसोर्स पार्टीशनिंग करके वो को एग्जिस्ट कर पाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, मैकआर्थर शो दैट द फाइव क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, यानी जो पांच अलग अलग क्लोज रिलेटेड स्पीसीज थी ऑफ वारबल्स, किसकी स्पीसीज थी, वारबल्स की, लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरगिंग एक्टिविटीज। तो अपना उन्होंने बिहेवियर चेंज किया और उस वजह से पांच क्लोज रिलेटेड स्पीसीज भी वहां पर सेम प्लांट के ऊपर सर्वाइव कर पा रही थी। तो ये किसने बताया, माइक आर्थर ने बताया था। तो रिसोर्स पार्टनरशिप करके भी यहाँ पे कोएग्जिस्ट कर दिया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं पैरासिटिज्म के बारे में। अब पैरासिटिज्म में क्या डिफरेंस होता है कि जो प्रीडेटर और पैरासिटिज्म की बात करें तो प्रीडेटर क्या होता है, उसको कम्प्लीटली जो है वो इजेक्ट कर देता है, मतलब उसको कम्प्लीटली कंज्यूम कर जाता है प्रे को। बट यहाँ पर जो आपका पैरासाइट होता है ना, पैरासाइट होस्ट को कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं करता, उससे न्यूट्रिशन रेगुलरली लेता रहता है। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे। कंसिडरिंग दैट द पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ इंश्योर फ्री लॉजिंग एंड मील्स, तो यानी उसको कहीं जाना भी नहीं है, कहीं मूवमेंट भी नहीं करनी और मील्स भी उसको हमेशा मिलती रहेगी, तो वो पैरासाइट के लिए सबसे अच्छा रहता है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासाइट हैज़ इवॉल्व इन सो मैनी टैक्सोनॉमी ग्रुप फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। यानी जो पैरासाइट्स होते हैं वो प्लांट्स से लेकर हायर वर्टिब्रेट्स तक हमें देखने को मिलते हैं। मैनी पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2013 में हमारे पास यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आया था। अब देखिए, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दे कैन पैरासाइट इज ओनली ए सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट, यानी केवल सिंगल स्पीसीज जो होस्ट की होगी उसी को वो पैरासाइट करेंगे। तो ऐसे होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट भी हो सकते हैं, इन सच ए वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। अब जब होस्ट स्पेसिफिक होते हैं ना, तो वहाँ पे उनको को इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। यानी जैसे जैसे होस्ट इवॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंग प्रे को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। That is, if the host evolves specific mechanism for rejecting or resisting the parasite, यानी host कुछ ऐसा mechanism evolve करता है जिससे वो parasite को reject या resist कर पाए, तो यहाँ पर जो parasite है has to evolve mechanism to counteract and neutralize। तो उसको भी फिर क्या करना पड़ेगा, इस type का mechanism evolve करना पड़ेगा कि वो उसके counter कर पाए, in order to be successful with the same host species। In accordance with this life cycle, अब important यहाँ से IPMT में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, parasite evolves special adaptation। अब कौन कौन से adaptation अपना है, सच एज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, क्योंकि यहां पे जो पैरासाइट है उसको ज्यादा सेंस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है वो नहीं पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन जो होते हैं उसकी काफी रिक्वायरमेंट होगी उसे, और सकर्स टू क्लिंग टू द होस्ट, ताकि होस्ट के साथ वो चिपका रहे। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की ज्यादा जरूरत नहीं है उसके पास में, क्योंकि वो जो फूड है वो होस्ट से ले रहा है डायरेक्टली, इसलिए। इसके अलावा हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और जो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी।
द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर जो पैरासाइट की लाइफ साइकिल होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों होती है उसको ध्यान से समझिए। इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट, क्योंकि वहां से एक से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं और वेक्टर की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। कैसे हो सकती है अभी देखते हैं। टू फैसिलेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। देखिए द ह्यूमन लीवर फ्लूक, जो ह्यूमन लीवर फ्लूक होता है एक ट्रीमेटोड पैरासाइट होता है, जो एक ट्रीमेटोड होता है वो पैरासाइट होता है लीवर फ्लूक। डिपेंड्स ऑन द टू इंटरमीडिएट होस्ट, इसमें दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं तभी ये लीवर फ्लूक तक पहुंचता है। कैसे, या तो स्नेल हो सकता है या फिश हो सकता है, उसके थ्रू आता हुआ वो ह्यूमन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर उसको दो अलग अलग होस्ट चाहिए टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, इसके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ पे जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसको भी रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वेक्टर की, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने के लिए। टू मॉस्किटो टू स्प्रेड टू द अदर होस्ट। मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, ज़्यादातर जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, दे मे रिड्यूस और सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जो होस्ट है उसके सर्वाइवल को कम कर देगा, ग्रोथ रिप्रोडक्शन को कम कर देगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर देगा। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकल वीक, और उसको फिजिकली वीक हो जाएगा। बट कोई भी जो प्रे है वो ये नहीं चाहेगा कि उसका होस्ट मर जाए, अगर उसका होस्ट मर गया तो प्रे को भी फूड नहीं मिलेगा। क्लियर है, ओके। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल। अब यहाँ पे एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट बताने की कोशिश की गई है। पहले हम एक्टो पैरासाइट के बारे में बात करते हैं। पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, जो कि एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर फीड करते हैं वो पैरासाइट ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टो पैरासाइट। उनको क्या बोलेंगे, एक्टो पैरासाइट बोलेंगे। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर द लाइस ऑन द ह्यूमन, तो ह्यूमन के ऊपर लगते हैं अंदर नहीं लगते हैं, तो वो क्या हो गए, एक्टो हो गए। टिक्स ऑन द डॉग, डॉग के ऊपर टिक्स लगते हैं वो भी किसके होंगे, एक्टो पैरासाइट के एग्जाम्पल हो गए। काफी इंपॉर्टेंट है, AIPMT 2012 में यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। मेनी मैरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कॉपपोड्स। अब एक एग्जांपल है कसकटा, कसकटा भी क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। ए पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोविंग ऑन द हेज प्लांट, एक हेज प्लांट होता है उसके ऊपर जो है वो ग्रो कर जाता है कसकटा, हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल, और इस जो कसकटा होता है इसके पास में कोई क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि इसको फूड बनाना ही नहीं है, उसको तो प्लांट से डायरेक्टली लेना है। एंड लिव्स इन द कर्स ऑफ एवोल्यूशन, इट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज पैरासिटीज। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड ए पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स ओवर ब्लड फॉर द रिप्रोडक्शन। जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो पैरासाइट के अंदर नहीं आती है, क्यों, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो अपने एग्स को जो है वो हैच करने के लिए हमारा ब्लड यूज़ करती है, नॉट ए फूड, फूड के लिए वो हमारा जो ब्लड होता है उसको यूज़ नहीं करती, और होस्ट की तरह सॉरी जो पैरासाइट है उसकी तरह ये नहीं रहती और हमें होस्ट नहीं बनाती है। तो इसीलिए जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो पैरासाइट की कैटेगरी में नहीं आती है। अब हम बात करते हैं एंडो पैरासाइट के बारे में। इन कॉन्ट्रास्ट एंडो पैरासाइट क्या होते हैं, आर दोज दैट लिव इन साइड द होस्ट बॉडी, तो वो होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे एट डिफरेंट साइट, फॉर एग्जाम्पल वो लीवर में रह सकते हैं, किडनी में, लंग्स में, आरबीसी के अंदर रह सकते हैं एक्सेट्रा। अब जो लाइफ साइकिल होती है एंडो पैरासाइट की वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर उनको एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन चाहिए अंदर रहने के लिए किसी बॉडी के अंदर। देयर मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर आर जनरल ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल इम्पेसिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी यहां पे काफी ज्यादा वो इम्पेसाइज होगा, और मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर भी देखे जाएंगे कि पैरासाइट के कैसे हैं, वो कैसे उसके अंदर सर्वाइव कर पाता है। क्लियर है, ये हो गए। अब हम एक और अलग टाइप के पैरासिटिज्म के बात करेंगे, ये है हमारा ब्रूड पैरासिटिज्म, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। अब ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, ये इन बर्ड्स इज फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ ए पैरासिटिज्म, ये बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। इन विच द पैरासिटिक बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट, यानी एक बर्ड है वो दूसरे बर्ड के नेस्ट कोई दूसरा ही बर्ड बनाएगा, उसके अंदर अपने एग्स रख देंगे। ये ए बर्ड है, ये बी बर्ड है, तो ये ए वाला क्या करेगा, इस बी बर्ड के जो स्पीसीज है वहां पर वो एग्स देगा, तो वहां पर अपने एग्स भी वहीं रख देगा। इससे क्या होगा, इसको नेस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए होना क्या चाहिए, जो ये बी वाले जो स्पीसीज है इसके जो एग्स है उसके अकॉर्डिंग इसी सेम शेप एंड साइज के एग अगर ये ए वाला दे पाता है तभी ये यहाँ पर हैच करेगा। अगर बी को ये थोड़ा सा भी पता चल गया कि ये एग्स अलग है तो अपने नेस्ट से नीचे गिरा देगा। तो इस टाइप के भी एक पैरासिटिज्म होता है। देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व टू रिजेंबल द होस्ट एग, तो उसके होस्ट एग के रिजेंबल करना चाहिए इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांस ऑफ होस्ट बर्ड टू डिटेक्ट फॉरेजन एग्स एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द कुकू दैट इज कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग टू समर एंड वॉच द ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन। तो यहाँ पे कोयल जो होती है, कुकू होती है, वो कहाँ पे देती है एग्स, क्रो के नेस्ट में देती है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये बोला गया कि स्प्रिंग टू समर में ये चीजें देखने को मिलती है।
ओके अब हम बात करते हैं कॉमन सेलिज्म के बारे में। कॉमन सेलिज्म में क्या था? कॉमन सेलिज्म में सिंपल था, जो एक स्पीसीज थी उसको क्या हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था, और जो दूसरी स्पीसीज थी वो न्यूट्रल रहती, यानी एक को बेनिफिट था, सेकंड को न्यूट्रल था। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल वगैरह दिए जाएंगे। देखिए, दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड द अदर इज नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिट, यानी वो न्यूट्रल रहेगी। अब एग्जाम्पल है अलग अलग, क्लियर है, देखते हैं। सबसे पहले, एन ऑर्किड ग्रोविंग ऑन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच, यानी यहाँ पर एक ऑर्किड जो है वो एज एन एपीफाइट ग्रो करता है मैंगो ब्रांच के ऊपर। अब वो कैसे कर लेता है, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो रेन फॉरेस्ट है, ये मैंगो का प्लांट है, तो इसकी जो ब्रांच होगी उसके ऊपर ग्रो कर जाएगा और उसकी रूट्स जो होगी वो एनवायरनमेंट के अंदर होगी और डायरेक्टली क्या करेगी, यहाँ पे वाटर एंड मॉइस्चर वगैरह है वो डायरेक्टली इसकी रूट्स जो है वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करती रहेगी और इसी के ऊपर वो ग्रो हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या, मैंगो का कोई लेना देना नहीं है, ना मैंगो से ये कोई न्यूट्रिशन ले रहा है या ना कुछ और, बस केवल थोड़ी सी जगह ले रहा है और मैंगो को प्लांट को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो इस टाइप से क्या है, यहाँ पर ये जो एपीफाइट है, जो ऑर्किड का एपीफाइट है, इस ये तो प्लस में जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको मैंगो के ऊपर जगह मिल रही है, बट मैंगो के लिए ना तो ये प्लस है या ना तो इससे कोई उसको बेनिफिट है, ना इससे कोई लॉस है, ना इससे कोई हार्म है, कुछ नहीं हो रहा इसको। तो इस टाइप से ये कॉमन सेलिज्म का एक एग्जांपल हो गया। अगले लिखा है, द बार्नेकल्स ग्रोविंग ऑन द बैक ऑफ वेल, वेल के बैक के ऊपर बार्नेकल्स ग्रो करते हैं। अब बार्नेकल्स को तो जगह मिल गई ग्रो करने के लिए, बट वेल का यहाँ पे कोई भी बेनिफिट या कोई भी हार्म नहीं है। व्हाइल नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल ड्राइव एनी अपेरेंट बेनिफिट। इसी टाइप से हम बात करते हैं द कैटल एग्रेट, जो कैटल के आसपास एग्रेट करते हुए जो घूमते हैं, एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन ए साइट यू मे मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लिव इन द फार्म रूरल एरियाज, इन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म द एग्रेट। अब ये एग्रेट क्या कहते हैं, Always forget close to where the cattle are grazing because the cattle has the move strip up and flush out insect from the vegetation. अब मान लो बहुत सारी ग्रास यहाँ पे उगी हुई है, क्लियर है, यहाँ पे कैटल जो है, क्लियर है, यहाँ पे बड़ा सा कैटल जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, क्लियर है, तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट होंगे। अब इसी के पास में एग्रेट जो वो साथ में घूमता रहेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये कैटल आसपास मूव करेगा, ये जो ग्रास मूव करेगी, तो ये इंसेक्ट बाहर आएंगे और इसको क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा। तो अब ये आसपास ऐसे घूम रहा है, तो इसको ये वाला जो एग्रेट है, इसको यहाँ पर तो फायदा हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये इंसेक्ट बाहर निकल के आ रहे हैं, इसको फूड मिल रहा है, बट यहाँ पर इस जो कैटल को, इसको तो ना तो कोई फायदा हो रहा है कि भैया मैं घूम रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल जाएगा, ना इसको कुछ देना पड़ रहा है, इसको तो डायरेक्टली मूव करना है अपने फूड के लिए। तो इस टाइप से यहाँ पर ये एग्जाम्पल इन्होंने बताया गया है, क्लियर हो गया। ओके, और एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म इज द इंट्रैक्शन, किसके बीच में होता है, बिटवीन सी एनिमोन एंड द स्टिंगिंग टेंटाकल्स। अब सी एनिमोन एक आपका एनिमल है और यहाँ पे स्टिंगिंग टेंटाकल्स के आसपास वो रहता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो सी एनिमोन होते हैं एंड द क्लाउन फिश दैट लिव्स एमंग देम। अब ये कि द फिश गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटाकल्स, द एनिमोन डज नॉट अपियर टू ड्राइव एनी बेनिफिट। जो सी एनिमोन के टेंटाकल्स होते हैं, मान लीजिए सी एनिमोन है, इसके पास में ऐसे टेंटाकल्स है, तो जो ये क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश क्या करेगी, यहाँ पर इन टेंटाकल्स के बीच में आकर रुक जाएगी। अब यहाँ पर इसको तो कोई फायदा नहीं है, ना कोई नुकसान हो रहा है, बट यहाँ पर जो क्लाउन फिश है, इसको रहने के लिए जगह मिल गई और कोई दूसरा जो है प्रीडेटर वगैरह वो इसको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ये प्रोटेक्शन मिल जाता है इसको, बट यहाँ पर जो सी एनिमल है उसको ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई लॉस है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ओके, तो ये जो सी एनिमोन और क्लाउन फिश वाला पोर्शन है, यहाँ से हमारे पास 2013 और 2019 में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। देखिए, दिस इंट्रैक्शन कन्फर्म बेनिफिट ऑन बोथ द इंट्रैक्टिंग स्पीसीज, यानी दोनों जो स्पीसीज होती है उन दोनों को बेनिफिट होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अब कुछ एक एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 2003 में, फिर 2017 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान से देखते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल है लाइकन का। लाइकन के अंदर होता क्या है, एक तो फंगस ग्रुप होता है, क्लियर है, और एक होता है एल्गी, या फिर हम बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। देखिए, लाइकन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअली रिलेशनशिप बिटवीन ए फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा एक एग्जांपल है माइकोराइजा का। माइकोराइजा आर एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो माइकोराइजा के अंदर क्या होता है, फंजाई होती है और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पे दोनों के अंदर, चाहिए यहाँ पे लाइकन हो चाहे माइकोराइजा हो, यहाँ पे फंगस क्या कहता है, देखिए, द फंजाई हेल्प इन द प्लांट्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, व्हाइल द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फंगाई विद वेरी हाई यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। यानी फंजाई होता है वो एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है, फिर जो प्लांट्स होता है या फिर एल्गी होती है वो क्या कर देते हैं, उसको फूड दे देते हैं। तो इस टाइप से एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं, देखिए, द मोस्ट स्पेक्युलर
एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। तो ये तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह के या फिर प्लांट और एल्गी फंजाई इनके रिलेशनशिप थे, बट अब हम बात करने वाले हैं प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप के बारे में। प्लांट्स नीड्स द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पोलिनेटिंग। तो सबसे पहले प्लांट्स को हेल्प चाहिए होती है एनिमल्स की पोलिनेशन करवाने के लिए, देयर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड। इसके अलावा सीड को डिस्पर्स करने के लिए अलग अलग जगह पर भी एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनिमल को क्या मिलता है, तो प्लांट्स को तो ये दो बेनिफिट हो जाते हैं, उनका पोलिनेशन हो जाएगा और सीड डिस्पर्स हो जाएगा। एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस, तो यहाँ पर इनको भी फीस मिलेगी। फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, प्लांट्स ऑफर रिवार्ड और फीस इन द फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर फॉर द पोलिनेटर एंड जूस एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रूट्स फॉर द सीड डिस्पर्सन। तो पोलिनेशन जब करवाएंगे तो वहाँ पर पोलन और नेक्टर दे देंगे, और जब यहाँ पे सीड डिस्पर्सन की बात आएगी तो उनको फ्रूट दे दिया जाएगा एनिमल्स को। तो इस टाइप से दोनों को बेनिफिट हो जाएगा। बट द म्यूचुअल बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स। अब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो चीटिंग कर जाते हैं एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दे ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग पोलिनेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो नेक्टर ले जाए और पोलिनेशन करें ना। नाउ यू कैन सी वाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व को इवोल्यूशन। तो इसीलिए यहाँ पर को इवोल्यूशन साथ में चलती रहती है, प्लांट के अंदर कुछ चेंज आते हैं तो एनिमल के अंदर भी कुछ चेंज आते हैं ऑफ द म्यूचुअलिज्म। दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड द पोलिनेटर स्पीसीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर। इसीलिए यहाँ पे फ्लावर जिसको पोलिनेशन करवाना है और जो पोलिनेशन करेगा उन दोनों के बीच में टाइटली लिंक होता है। अब हम बात करते हैं काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में, यहां से AIPMT 2002 और NEET 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं फिग के बारे में। देखिए इन मेनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज देयर इज अ टाइट वन टू वन रिलेशन विद द पोलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प। यानी प्लांट यहाँ पे कौन सा है, फिग है, और यहाँ पे जो पोलिनेटर एनिमल है वो है वास्प। इन दोनों के बीच में भी म्यूचुअलिज्म होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। देखिए इट मीन दैट ए गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पोलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर। तो यहाँ पे जो फिग होता है उसका पोलिनेशन केवल इसके पार्टनर के द्वारा होगा, कौन, वास्प के द्वारा, एंड नो अदर स्पीसीज और कोई भी स्पीसीज यहाँ पे पोलिनेशन नहीं करवाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा दोनों को, देखिए प्लांट का तो ये फायदा हो जाएगा कि उसको पोलिनेशन हो जाएगा। फीमेल जो वास्प होती है उसको क्या फायदा होगा, यूज द फ्रूट्स नॉट ओनली एज ओवी पोजिशन। यहाँ पे जो फ्रूट होते हैं उसमें वो अपने एग्स दे देती है साइट, बट यूज द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग। इसके अलावा जब वहाँ पे सीड डेवलप हो रहे होंगे तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के भी काम आते हैं जब उसका लार्वा हो रहा होगा। तो यहाँ पर यही डायग्राम दिया हुआ, देखिए म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द फिग ट्री एंड वास्प यहाँ पे दिखाया गया। ये यहाँ पे हमारे पास वास्प दिखाया गया, फिग फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय वास्प। तो यहाँ पे जो फिग फ्लावर है वो वास्प पोलिनेट कर रहा है, उसके बाद में ये एग्स दे दिए, यहाँ पे लार्वा वगैरह है, वास्प लेइंग एग्स इन द फिग फ्रूट। तो यहाँ पे फिग फ्रूट के अंदर उसने अपने एग्स दे दिए हैं, और जब ये लार्वा आएंगे तो ये स्टार्टिंग में फूड को यूज करते हुए उसका नरिशमेंट ले लेंगे ताकि वो डेवलप हो पाए। तो इस टाइप से यहाँ पे चीजें होती है म्यूचुअलिज्म के अंदर, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। द वास्प पोलिनेट्स द फिग इनफ्लोरेसेंस वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट। इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पोलिनेटिंग द फिग ऑफर द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड एज फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वा। तो वास्प लार्वा को वो कुछ एक सीड दे देता है जो डेवलप हो रहे होते हैं ताकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाए, और उसको जगह भी दे देता है और वहाँ पे उसका पोलिनेशन हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं ऑर्किड्स वगैरह के बारे में, क्लियर है। अब देखिए ऑर्किड्स शो ए बी डिवलरिंग डायवर्सिटी ऑफ फ्लावरल पैटर्न, मेनी ऑफ विच हैव इवॉल्व टू अट्रैक्ट द राइट पोलिनेटर इंसेक्ट बीज एंड बम्बल बीज एंड इंश्योर गारंटीड पोलिनेशन बाय इट। अब यहाँ पे जो ऑर्किड होता है उसके अंदर जो है वो इवोल्यूशन होता है, और कैसा इवोल्यूशन होता है कि जो फ्लोरल पैटर्न होता है, जो फ्लावर होता है उसमें वो अलग अलग टाइप से मोर्फोलॉजिकल चेंज करता है, जिसके द्वारा जो बीज और बम्बल बीज होते हैं वो ईजिली वहाँ पे पोलिनेशन हो जाए, वहाँ पे गारंटीड पोलिनेशन हो जाए, क्लियर है। अब आगे लिखा है नोट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवार्ड, हर एक जो ऑर्किड प्लांट होता है वो रिवार्ड नहीं देता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है द मेडिटेरियन ऑर्किड का, यहाँ पे किसका एग्जांपल है, मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफिरिस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसिट। तो यहाँ पर ये देखिए शोविंग ए बी पोलिनेटर ऑन ऑर्किड फ्लावर है, और ये क्या करता है देखिए, टू गेट पोलिनेशन डन बाय ए स्पीसीज ऑफ बी वन पेटल, इस फ्लावर का जो एक पेटल होता है ऑफ इट्स फ्लावर बियर एन अनकैनी रिजेबलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन द साइज। तो वो साइज के अंदर एक फीमेल बी की तरह कन्वर्ट हो जाता है, कलर एंड मार्किंग भी वैसी सेम रहती है, उसकी वजह से जो मेल होता है उसको लगता है कि वो फीमेल है वहाँ पर। द मेल बीज इज अट्रैक्टेड टू वट इट प्रीसीव्स एज ए फीमेल, और वहाँ पर सीडो कॉपुलेशन होता है, वो वहाँ पर अपना जो है
कोपुलेट करने के लिए जाता है, बट अल्टीमेटली क्या हो जाता है वहाँ पे, पोलिनेशन हो जाता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। तो विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट डस्टेड विद द पोलन फ्रॉम द फ्लावर व्हेन दिस सेम बी शूडो कोपुलेट विद द अनदर फ्लावर। तो वही शूडो कोपुलेट करने के लिए एक फ्लावर पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे ऐसे चलता रहता है, उसको केवल और केवल धोखा मिलता रहता है और वहाँ पे जो फ्लावर है उसका पोलिनेशन होता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो होता है उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसीलिए लिखा गया है नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड, हर कोई रिवॉर्ड नहीं देता यहाँ पर। इट ट्रांसफर पोलन इट इट एंड दस पोलिनेट द फ्लावर। हियर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन अप्रोच। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो फीमेल है, सॉरी जो बी है, अगर उसमें अंदर कोई चेंज आएगा तो यहाँ पर ये जो फीमेल स्ट्रक्चर बनाया है ऑर्किड ने, उस स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोइवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसलिए लिखा, देखिए, इफ़ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग इवोल्यूशन पोलिनेटिंग सक्सेस विल बी रिड्यूस अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवोल्व टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल बी। तो उस टाइप का जब तक नहीं होगा तो वहाँ पे वो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।